हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी विद सिविल बॉडी पर। तो जैसा कि आपने थंबनेल से देखा होगा कि आज के लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं एमपी सब इंजीनियर एग्जाम 2022 का जो है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो है वो सिलेबस आपने देख रखा होगा, उसी के क्वेश्चंस जो है पी वाई क्यूज हम आपको करवाने वाले विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो एमपी सब इंजीनियर एग्जाम 2022 का, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे स्टील स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन, इसको आपके सिलेबस में लिखा गया है स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग सेकंड। ठीक है, जो फर्स्ट स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग है वो आपका आरसीसी है, जो सेकंड है वो क्या है बच्चों, स्टील है। तो आज तक जितने भी क्वेश्चंस स्टील के आपके एमपी सब इंजीनियर एग्जाम्स में आ रखे हैं 2016 में 17 में, तो वो सारे जितने भी शिफ्ट है, कुल मिला के 10 शिफ्ट के क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। 10 शिफ्ट के क्वेश्चन तकरीबन यहाँ पर जो है वो अप्रोक्सीमेट 34 क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को आज हम करेंगे और क्या लेवल उसका है ये भी आप उसे जान पाएंगे क्या क्या लेवल है, हमें किस स्टैंडर्ड का पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और अगर इस वीडियो में आप जो मैं आपको बताता हूँ अगर वो चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो दैट इज इनफ फॉर यू फॉर एमपी सब इंजीनियर 2020 एग्जाम। ठीक है, तो एक ही वीडियो के अंदर हम सब कुछ स्टिल कवर करने वाले हैं, इसी वीडियो के अंदर करेंगे हर क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, इसके बाद में जितने भी हमारे जितने भी एग्जाम्स मतलब हुए हैं उनके सब्जेक्ट वाइज सारे के सारे जो है क्वेश्चन हम आपको वन बाय वन करवाने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर वन ये है आपके सामने, बताइए, सोचिए, समझिए, पढ़िए, फिर जवाब दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है व्हाट विल बी द मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, व्हाट विल बी द मिनिमम साइज, ना कि मैक्सिमम पूछा है, मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इफ द प्लेट थिकनेस इज लेस देन 10 mm। कितना, 10 mm से अगर कम है तो आपको वहां पर मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड क्या लेना होगा, इसके बारे में आपको पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन बच्चों हैं, ये क्वेश्चन आ रखा है एमपी सब इंजीनियर एग्जाम 2018 का एग्जाम है। ठीक है, 2 सितंबर को ये हुआ था। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका पहला आपके सामने है, इसको पढ़िए, समझिए एंड देन आंसर दीजिए। व्हाट विल बी द मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इफ द प्लेट थिकनेस इज लेस देन 10 mm। ठीक है, इसका आपको आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए इज 6 mm, 2 इज 3 mm, 3 इज 4 mm एंड 4 इज 5 mm। ठीक है, तो अगर आपकी प्लेट की थिकनेस अगर 10 mm से कम है, 0 से लेके 10 mm तक वेरी करती है, वेरी गुड, तो आपको यहां पर जो है मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड लेना होता है 3 mm। जैसे जैसे थिकनेस ऑफ प्लेट बढ़ेगी आपकी, वैसे वैसे जो साइज ऑफ वेल्ड भी है आपका बढ़ेगा। एक इंडेक्स में आपको बताना चाहूंगा, वैसे यहां पर इसका जो आंसर है वो होगा आपका 3 mm। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 mm। अब कैसे, हमारा जो आईएस कोड चलता है बच्चों, आईएस 800-2007, उसके अंदर इंडेक्स बना हुआ है कि अगर आपका फिलेट वेल का थिकनेस अगर इतना है, मतलब इतना है फिलेट वेल इतना है तो थिकनेस का, तो आपको वहां पर क्या साइज लेना पड़ेगा वेल्ड का। तो 10 mm का तो इसने बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो क्या लेंगे, तो हम यहां पर 3 mm ले लेंगे। अब कैसे देखिए, एक बार सॉल्यूशन के अंदर जाते हैं एक बार। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैंने एक जो है टेबल अटैच कर रखी है अकॉर्डिंग टू आईएस कोड आईएस 800-2007, जो हमारा लिमिट स्टेटमेंट चलता है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अगर आपके स्टील स्ट्रक्चर के अंदर जो आप प्लेट्स यूज कर रहे हैं बच्चों, बिल्कुल सभी का आंसर सही है, सभी का आंसर सही है। ठीक है, 3 mm, अगर थिकनेस ऑफ प्लेट 0 से लेके 10 mm तक वेरी कर रही है तो आपको लेना है 3 mm, और 10 का ही पूछा है इसने, तो 3 mm मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड। एक तो मैंने बताया आपको मिनिमम, एक बताऊंगा आपको मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड क्या होता है, उसके बाद में जिक्र करेंगे। तो 0 से लेके 10 तक है तो 3 mm, 11 से 20 तक है थिकनेस ऑफ प्लेट इन mm, 11 से 20 है तो 5 mm, 21 से 32 mm तक है तो करना क्या, 6 mm, 1 mm बड़ा करना। अगर 33 से ज्यादा और 50 से कम है तो वहां पर आपको फर्स्ट रन करना 8 mm का एंड देन आपको एडिशनल में जो 2 mm करना होता है। तो ये टेबल जो है आपको याद करनी है, मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड। क्वेश्चन में आपको दे रखा है अगर 10 mm से कम थिकनेस है तो आपको वहां पर मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड क्या लेना है, मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड क्या लेना है, तो आपको लेना है 3 mm। ये इंडेक्स आपको याद कर लेनी हमेशा के लिए। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा 3 mm है ना, जो कि हमारा सेकेंड ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर आपको जो है इंडेक्स याद कर लेनी है। अब इसके अलावा आपको क्या पूछ सकता है इस एग्जाम के अंदर, आपको पूछ सकता है साइज, है ना, मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड क्या होगा।
तो अगर आपको पूछे मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड के बारे में, तो आपको ये बताना है कि डिपेंड करेगा कि आप जो सेक्शन यूज कर रहे हैं उसका जो है कोना कैसा है, शार्प है या राउंडेड है। जैसे कि अगर मैं बात करूं दो प्लेट अगर हम यूज कर रहे हैं, तो दो प्लेट की जो कोना होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, वो शार्प होगा इस तरीके से, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर नीचे मैंने दोनों प्लेट्स को रखा तो हमारे पास में क्या बन गया, एक लैप जॉइंट बन गया। क्या बन गया बच्चों, एक लैप जॉइंट बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो है वो फिलेट वेल्ड है, ओके। तो अगर किसी प्लेट के या फिर किसी स्टील सेक्शन के जो कॉर्नर है अगर शार्प हो, तो शार्प के लिए आपको मतलब शार्प एजेस के लिए पूछ सकता है एग्जाम में, शार्प एजेस के लिए आपको मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, तो मैंने आपको बता दिया। मैक्सिमम साइज की अगर आपको एग्जाम में पूछे, तो इस शार्प एज के लिए आपको लेना होता है मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। अब यहां पर जैसे मैंने यहां पर दो प्लेटें यूज कर रखी है, एक प्लेट की थिकनेस सपोज 10 mm है, कितना 10 mm थिकनेस है, एक का है 8 mm, तो यहां पर टी मिनिमम क्या होगा 8 mm। तो उसमें क्या करना है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट जो आपका टी मिनिमम है, इसमें आपको माइनस करना पड़ेगा 1.5। क्या माइनस करना पड़ेगा, 1.5 आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो अगर शार्प एज पूछे एग्जाम के अंदर और पूछे मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, तो साइज मैक्सिमम निकालने का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, टी मिनिमम माइनस 1.5। अगर इसी के साथ में राउंडेड एज का पूछे आपको, तो राउंडेड एज के लिए आपको आंसर करना है, जैसे हमारे पास में एंगल होती है और उसका जो एज होता है बच्चों क्या होता है, राउंड होता है, ठीक है। एक कनेक्टिंग लेग होती है, एक होता है हमारे पास में आउटस्टैंडिंग लेग। तो इस केस के अंदर आपको अगर मैक्सिमम साइज पता करना हो, तो उसका मैक्सिमम साइज क्या होता है बच्चों, वो जो भी आपकी थिकनेस है टो की, थिकनेस ऑफ टो इंटू 3/4, 3/4 इंटू थिकनेस, ठीक है। टी मिनिमम भी हम यहां पे कह सकते हैं। तो ये राउंडेड एज के लिए 3/4 इंटू टी मिनिमम, शार्प एज के लिए टी मिनिमम माइनस 1.5, और अगर आपको पूछे मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, जो आपको मैंने आपको इंडेक्स बता रखी है, इंडेक्स आपको याद कर लेनी है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर थ्रोट थिकनेस की, तो थ्रोट थिकनेस क्या होती है, ठीक है। तो थ्रोट थिकनेस कुछ नहीं होती, जो भी हम जैसे हमारे पास में दो मेंबर को अगर कनेक्ट कर रहे हैं यूजिंग वेल्ड, ठीक है, तो वेल्ड करेंगे यहाँ पर, तो जो हमारे पास में इलेक्ट्रोड होती है, जैसे ही वो पिघले की मतलब अगर शील्डिंग करेंगे, तो वहां पर जो हमारे पास में कुछ फ्यूजन फेसेस जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। तो उस केस में कह सकते हैं कि जहां पर इसका फ्यूजन फेस है उसके डायग्रामेटिक वैल्यू तक की जो हमारे पास में थिकनेस होती है, उसी को हम थ्रो थिकनेस बोलते हैं। इसको डिटेल में आगे बता दूंगा मैं आपको, थ्रो थिकनेस का फॉर्मूला क्या होता है और पर्टिकुलर कितना एंगल बनता है, तो हम क्या पे थ्रो थिकनेस की वैल्यू क्या लेते हैं। चलिए, तो अगर मैं बात करूं यहां पर इफेक्टिव थ्रो थिकनेस की, जैसे मैं टीटी से डिनोट करूंगा, टीटी यहां पर क्या है, इफेक्टिव थ्रो थिकनेस, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है, ठीक है। तो देखिए होता है क्या है इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन रूट ऑफ फिलेट वेल टू डायग्रामेटिक फेस ऑफ वेल, जो हमारा डायग्रामेटिक फेस है वेल्ड का, उसके बीच की रूट और डायग्रामेटिक फेस के बीच की डिस्टेंस हमारी क्या होती है, वो थ्रोट थिकनेस होती है। इसका जनरली जो फॉर्मूला होता है वो होता है थ्रोट थिकनेस का, टीटी इज इक्वल टू 0.7 इंटू टी मिनिमम, है ना, 0.7 इंटू टी मिनिमम। अब ये ध्यान रखना कि थ्रोट थिकनेस है वो 3 mm से कम नहीं होनी चाहिए और 0.7 टी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो थ्रोट थिकनेस की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, 3 mm से लेके 0.7 टी तक वेरी करती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। टी यहां पर क्या है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट होता है, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए और आपको यहां पर जो है फॉर्मूला पूछ सकता है थ्रोट थिकनेस का, कि TT इज इक्वल टू क्या होता है, तो K इंटू S होता है। K यहां पर क्या, जनरली कोफिशिएंट होता है, हमारे पास में कांस्टेंट होता है, डिपेंड करता है एंगल पे, एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस कितना हमारा है, ठीक है। चलिए, तो अगर आपका एंगल के बारे में पूछ ले कि हम अगर थ्रोट थिकनेस की बात कर रहे हैं, तो थ्रोट थिकनेस के अंदर हम पढ़ेंगे एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस कितना है, तब हम K की वैल्यू क्या लेंगे, ये डिपेंड करता है कहां से कहां तक वेरी करता है, तो 60 डिग्री से लेके 120 डिग्री तक ये वेरी करता है। अगर आपका एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस 60 से लेके 90 डिग्री तक है, जनरली यही होता है, ठीक है, तो आपको लेना 0.7, और हम 0.7 ही लेते हैं 90 डिग्री के लिए, तो 60 to 90 डिग्री 0.7।
91 टू 100 अब 0.5 कम करते जाइए, ठीक है। तो 91 टू 100 डिग्री तो 0.65, 101 डिग्री टू 106 डिग्री तो 0.60, 107 डिग्री टू 113 डिग्री तो 0.55, 114 डिग्री टू 120 डिग्री तो आपको लेना 0.5। तो इस तरीके से वैल्यूज जो है वो आपको याद कर लेनी। इसी के साथ में आपको याद क्या करना है, ये भी याद कर लेना है कि जो एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस है वो कहां से कहां तक वेरी करता है। तो 60 डिग्री से लेके 120 डिग्री तक वेरी करता है। ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। जनरली आपको याद रखना है कि थ्रोट थिकनेस क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 0.7 इंटू टी होता है, टी मिनिमम होता है, जो उसको हम के इंटू एस लिखते हैं, वो के की वैल्यू डिपेंड करती है एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस कितना है, ये के की वैल्यू हम ये लेंगे। पर्टिकुलर इंडेक्स आपको हमेशा के लिए याद कर लेनी है। तो इसी प्रकार हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन वो जो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर आपने सीखा मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, थ्रोट थिकनेस के बारे में, एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस के बारे में, थ्रोट थिकनेस क्या होता है, अगर फ्यूजन फेसेस के बीच कितना एंगल है तो हम वहाँ पे के की वैल्यू क्या लेंगे। ये सारे वैल्यूज आपको याद करनी है। इसकी जो PDF है इस लेक्चर के बाद में हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद सिविल बॉडी के चैनल पे डाल दी जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। और इसी के साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम फिलेट वेल्ड की बात कर रहे हैं, जैसे मेरे पास में ये गसेट प्लेट है, ठीक है। एक्चुअली गसेट प्लेट होता है क्या है, एक प्लेट ऐसी होती है जिसपे कई सारे मेंबर्स आके कनेक्ट होते हैं, वो हमारी क्या होती है, गसेट प्लेट होती है। हाँ बिल्कुल शुभम जी, टेलीग्राम पे जो हमारी PDF है वो अवेलेबल हो जाएगी आफ्टर दिस लेक्चर, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक गसेट प्लेट के साथ में एक हमारे मेन मेंबर को कनेक्ट किया है, और इस मेन मेंबर को, इस प्लेट को, इस गसेट प्लेट से कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर वेल्ड करना चाहा, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास में क्या है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड है। तो अगर बात करूं इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड जो है वो कितना होता है, तो ओवरऑल लेंथ ऑफ वेल्ड माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड होता है। अब 2 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि वहां पर एंड रिटर्न का भी केस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें फाइंड करना है। और ये आपको ये भी ध्यान रखना है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड है वो 4 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड से कम नहीं होना चाहिए, इसी के साथ में, या फिर 40 mm से कम नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, एक्चुअल लेंथ ऑफ वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड, ठीक है। चलिए इसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे आपसे, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है पढ़िए, समझिए एंड देन आंसर दीजिए। ये कह रहा है एज पर IS 800/1984, हमारा वर्किंग स्टेट मेथड वाला कोड है ये, एज पर IS 800/1984 स्पेसिफिकेशन हाउ टू कैलकुलेट ग्रोस डायामीटर ऑफ अ बोल्ट। आपको ग्रोस डायामीटर ऑफ बोल्ट के बारे में पूछ रहा है, इफ डायामीटर ऑफ बोल्ट इज लेस देन और इक्वल टू 25 mm, 25 या उससे कम है तो आप ग्रोस डायामीटर ऑफ बोल्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये ग्रोस डायामीटर ऑफ बोल्ट एंड नॉमिनल डायामीटर ऑफ द बोल्ट होता क्या है। बिल्कुल जो ऑप्शन सी दे रहे हैं, 3 नंबर का ऑप्शन दे रहे हैं, वो बिल्कुल उनका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। अब ये कई बच्चों का कंफ्यूज होता है कि सर ग्रोस डायमीटर ऑफ बोल्ट क्या होते हैं, नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट क्या होता है। सपोज हमारे पास में 2 प्लेट्स है, दोनों प्लेट्स को हमें कनेक्ट करना है एक दूसरे से। एक प्लेट हमारे पास में ये है, ठीक है, दूसरी प्लेट इसके नीचे की तरफ लगी हुई है, है ना, ये प्लेट हमारे पास में। इन दोनों प्लेट्स को एक दूसरे के साथ में लैप जॉइंट की फॉर्म में, लैप जॉइंट क्या होता है, 2 प्लेटें एक दूसरे के ऊपर नीचे हमें कनेक्ट करना है। हमें यार क्या यूज करना है, बोल्ट यूज करना है। हमें पता है मार्केट के अंदर कई टाइप्स के बोल्ट आते हैं, कई ग्रेड्स के बोल्ट आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो रिवेट का है, ठीक है। तो यहां पर जो है बोल्ट लिखा हुआ है वैसे, ठीक है। तो अगर हम बात करें वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जो कि हमारा कोड IS 800/1984 है, मैं आपको LSM का बताऊंगा कि LSM में क्या हम लेते हैं, और ये जो वैल्यू आपको दे रखी है सारी सारी WSM की है। तो 2 प्लेट को कनेक्ट करना है, इसके लिए जो बोल्ट काम में लिया गया है बच्चों, इसके लिए जो बोल्ट काम में लिया गया है
ये बोल्ट का शंख है, ये बोल्ट का हेड है, ठीक है। और जो बोल्ट का डाया होता है वो शंख का ही डाया होता है, जो हमारा ये शंख है इसका ही डाया होता है, वही हमारा क्या होता है स्मॉल डी में इसको लिखूंगा। स्मॉल डी क्या है बच्चों? नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट, नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट। ये तो हमारा हो गया बोल्ट का साधारण व्यास या फिर नॉमिनल डायामीटर ऑफ द बोल्ट। अब देखिए, अब आपको यहां पर सपोज जो है बोल्ट का डाया दे रखा है 25 mm, बोल्ट का डाया कितना दे रखा है आपको 25 mm दे रखा है। तो इन दोनों प्लेट को कनेक्ट करने के लिए अगर बोल्ट जो है अगर 25 mm का यूज ले रहे हैं हम, और इसके अंदर इस प्लेटों के अंदर अगर मैं छेद जो कर रहा हूं, जो होल कर रहा हूं, वो होल भी अगर 25 mm का करूं, तो क्या ये बोल्ट इजीली इसके अंदर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बोल्ट इस होल को, इस प्लेट के अंदर होल को थोड़ा इस बोल्ट के डाया से बड़ा करना पड़ेगा। अगर बोल्ट का संकर 25 mm है तो मुझे थोड़ा इसे स्लाइटली ज्यादा करना पड़ेगा ताकि इजीली हमारा जो बोल्ट है वो इस होल्स के अंदर चला जाए। तो बच्चों जो भी होल्स का डाया होता है, ये होल का डाया होता है, इसको मैं लिखूंगा डी नॉट से। डी नॉट का मतलब समझना कि ये क्या है, डायामीटर ऑफ द होल है, या फिर डायामीटर ऑफ होल को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस डाया ऑफ बोल्ट बोला जाता है, या फिर डाया ऑफ होल भी इसको कह सकते हैं। तो डाया ऑफ होल या फिर ग्रॉस डायामीटर ऑफ बोल्ट जो आपको पता लग गया होगा, आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो स्मॉल डी होता है वो नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट होता है, और डी नॉट होता है वो ग्रॉस डाया ऑफ बोल्ट होता है, ठीक है। बिल्कुल कर देंगे सर्वर की क्लास जल्दी नेक्स्ट मंडे से, अभी जो मंडे आएगा इससे स्टार्ट कर देंगे, कुछ चैप्टर बचे हैं उनको हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं अकॉर्डिंग टू IS 800/1984, 25 mm तक के व्यास के बोल्ट तक के लिए आपको बोल्ट का होल का डाया या फिर डायामीटर ऑफ होल आपको कितना बड़ा करना पड़ेगा, तो 1.5 mm बड़ा करना पड़ता है, कितना 1.5 mm, ठीक है। और अगर 25 mm से ज्यादा हो जाए तो वहां पर आपको 2 mm बड़ा करना होता है। तो इसने साफ साफ लिखा रखा है कि डायामीटर ऑफ द बोल्ट इज लेस देन और इक्वल टू 25 mm है, तो आपको वहां पर 1.5 mm करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ओके 3 इज करेक्ट। आई होप कि नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट एंड ग्रॉस डाया ऑफ बोल्ट आपको पता चल गया होगा। इससे आपको ही पता चला कि नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट और ग्रॉस डायामीटर ऑफ द बोल्ट के अंदर क्या डिफरेंस पर्टिकुलर है। इसी के साथ में ग्रॉस डाया ऑफ बोल्ट को हम क्या बोलते हैं, डाया ऑफ होल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने बात करी आपसे अकॉर्डिंग टू IS 800/1984। और इसी के साथ में अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों अकॉर्डिंग टू 800/2007, क्योंकि हमारा जो लिमिट स्टेटमेंट चलता है, LSM का कोड चलता है, वो चलता है हमारा 800/2007। तो अगर मैं बात करूं डाया ऑफ बोल्ट एंड डाया ऑफ होल या फिर ग्रॉस डायामीटर ऑफ द बोल्ट के बारे में, तो क्या होगा वैल्यू, ठीक है। तो देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप डाया ऑफ बोल्ट 12 mm से लेके 14 mm तक का यूज कर रहे हो, ये डिफरेंट है ना, ये जो वैल्यू आपको दे रखी है ये वैल्यू जो है वो WSM की है। मैं जो बता रहा हूँ LSM की बता रहा हूँ, अब किसकी बता रहा हूँ, LSM की बता रहा हूँ। तो 12 से 14 mm तक है, तो आपको डिनोट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपका डाया ऑफ बोल्ट है इसमें 1 mm प्लस करना पड़ेगा, इसमें 1 mm प्लस करना पड़ेगा। इसी के साथ में 12 से 14 तो ये हो गया, 14 से आगे आएगा 16 से लेके 24 तक 15 mm का बोल्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, सॉरी हाँ 15 का बोल्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो 16 mm से लेके 24 mm तक का बोल्ट का डाया अगर आप यूज कर रहे हो, तो जो आप प्लेट के अंदर होल करोगे ना वो 2 mm बड़ा करोगे, तो D प्लस 2 mm रखना है, ठीक है। और अगर 24 से भी ज्यादा है, मोर देन 24 mm है, तो उस केस में अगर आपका प्लेट के अंदर जो आप होल करेंगे बच्चों वो आप करेंगे D प्लस 3 mm, ये आपको ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू LSM IS 800/2007। ये तो LSM की टेबल है, और ये जो वैल्यूज मैंने आपको बता रखी है
ये वाली जो वैल्यूज है ये हमारी WSM की है, ठीक है। इस बात का आपको जरा गौर करना है, सॉल्यूशन के अंदर लिखा हुआ है और यही PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इसके साथ में आपको पूछ सकता है अनविंस फॉर्मूला क्या होते हैं, अनविंस फॉर्मूला हम क्यों काम में लेते हैं। जब भी आपको एग्जाम के अंदर डायामीटर ऑफ द बोल्ट नहीं दे रखा है, उस केस में डायामीटर ऑफ द बोल्ट नहीं दे रखा, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अनविंस फॉर्मूला का यूज लेके आप डायामीटर ऑफ द बोल्ट या फिर डायामीटर ऑफ द रिवेट फाइंड कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.04 इंटू रूट टी मिनिमम mm के अंदर। और अगर बात करें सेंटीमीटर की तो वो होता है D=1.91 इंटू रूट टी मिनिमम, और यहाँ पर जो टी है आपको रखना पड़ेगा सेंटीमीटर। तो ये जो फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं ये सेंटीमीटर में है और ये जो है हमारा mm के अंदर, ठीक है। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या कह रहा है देखिए। द एरिया ऑफ बेस प्लेट रिक्वायर्ड फॉर ए स्लैब बेस, स्लैब कब, स्लैब बेस का क्वेश्चन है और स्लैब बेस का आपको एरिया पूछा है। एरिया ऑफ बेस प्लेट रिक्वायर्ड फॉर स्लैब बेस टू कैरी फैक्टर्ड एक्सियल लोड, फैक्टर्ड एक्सियल लोड ऑफ 1200 kN कंसिडरिंग M20 कॉन्क्रीट इज, ठीक है। एक हमारे पास में स्लैब बेस है, स्लैब बेस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में क्या है, एक स्लैब बेस है, ये पूरा का पूरा कॉन्क्रीट ब्लॉक है। कॉन्क्रीट ब्लॉक के ऊपर हमने ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा की पूरी बेस प्लेट लगा रखी है। बेस प्लेट कैसे कनेक्ट करी हमने कॉन्क्रीट ब्लॉक से, कुछ हमने एंकर बोल्ट लगा रखे हर एक कॉर्नर पर, हमने एंकर बोल्ट लगा रखे, एंकर बोल्ट से हमारा कॉन्क्रीट ब्लॉक के साथ में बेस प्लेट कनेक्टेड है और बेस प्लेट के जस्ट ऊपर हमारे पास में क्या है बच्चों, हमारा स्टेंजन है या फिर कॉलम हमारा है, होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन, आई सेक्शन, कुछ भी हो सकता है हमारे पास में, स्ट्रट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है, बेस प्लेट है। एग्जाम में आपका बेस प्लेट की थिकनेस पूछ सकते हैं, प्रोजेक्शंस पूछ सकते हैं, ठीक है, एरिया पूछ सकता है, और इसके साथ में आपको जो इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि इसका रिक्वायर्ड एरिया क्या है, ये क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो हमारा जो स्ट्रेन चल रहा है इसके ऊपर जो फैक्टर लोड लग रहा है आपको दे रखा है कितना, 1200 किलोमीटर, और आपको यूज करना है M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट जो हमारा कॉन्क्रीट ब्लॉक है उसके लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्ट्रेस की, एक्चुअली स्ट्रेस होता क्या है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, सबको पता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है एरिया ऑफ बेस प्लेट आपको पूछ रखा है, ठीक है। तो यहां से अगर एरिया अगर फाइंड करना चाहें तो क्या हो जाएगा, फोर्स जो आपका लग रहा है फैक्टर लोड, वो फैक्टर लोड अपॉन में क्या करना पड़ेगा आपको, स्ट्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो फैक्टर लोड PU में लिखूंगा इससे, तो PU आपको दे रखा है, फैक्टर लोड दे रखा है 1200 kN, किलो को मैं लिख सकता हूं 10^3 अपॉन स्ट्रेस। अब जो स्ट्रेस है ये होती है हमारी परमिसिबल स्ट्रेस, जनरली ये जो हम लेते हैं वो लेते हैं 0.45 FCK, 0.45 FCK से लेके 0.6 FCK आप ले सकते हैं, लेकिन मेरी राय ये है कि आप 0.45 FCK लो, कम से कम लोगे तो आपका एरिया ज्यादा आएगा, एरिया ज्यादा आएगा तो आप सेफ्टी की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब FCK कितना आएगा, आपको दे रखा है M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, तो ये वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगी 1200 × 10^3 डिवाइडेड बाय 0.45 FCK दे रखा है 20, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 N/mm². तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा बच्चों 13.33 × 10^3 है ना, 10^4 mm², ठीक है। तो यहां पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो 1 हो जाएगा, ओके 1 इज द राइट आंसर, है ना। एक बार जिसने बी दिया है एक बार चेक कर लीजिए, कैलकुलेट करके देख लीजिए, तो आपका आंसर ही हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने इसको सॉल्व कर रखा है सॉल्यूशन के अंदर, आप देख लीजिएगा एक बार PDF के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू IS 800/2007 पार्सल सेफ्टी फैक्टर फॉर रेजिस्टिंग गवर्न बाय यील्डिंग इज, ठीक है, पार्सल फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा है, यील्डिंग के लिए पूछा है, तो कितना होगा, 1.50, 1.25, 1.10 या फिर 1.2। यील्डिंग के लिए आपको पूछे तो आपको बताना है 1.10 होता है, ठीक है। एक बात का मैं आपको बता दूं, स्टील के अंदर जब हम बात करते हैं स्टील के अंदर, जब भी अगर यील्डिंग स्ट्रेस आती है उसके लिए हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं 1.10 लेते हैं। तो इसने पूछ किसका रखा है,
यील्डिंग का पूछ रखा है। इसी के साथ में आपको ये भी ध्यान रखना, अगर अल्टीमेट स्ट्रेस का पूछे, एक होता है FY, एक होता है FU, FI क्या है, यील्डिंग स्ट्रेस, तो यील्डिंग के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.10 लिया जाता है, जो हम बोलते हैं गामा एम नॉट, ठीक है। और अगर FU की बात करें आपसे बच्चों, तो FU जो होता है अल्टीमेट स्ट्रेस होता है, इसके लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है गामा एम डब्ल्यू या फिर गामा एम, जिसकी वैल्यू 1.25 होती है, ठीक है, और फील्ड के लिए 1.5 होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, यील्डिंग के लिए हमारे पास में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा, 1.10 होगा। सो 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, अब पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर जो मैंने बोला है वो लिख रखा है, आप पढ़ लेना है और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यील्डिंग के लिए 1.10, बकलिंग के लिए भी 1.10, ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस के लिए FU के लिए 1.25। इसी के साथ में अगर बात करें रेजिस्टेंस कनेक्टेड, रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्शन बोल्ट्स एंड रिवेट के लिए एंड वेल्ड के लिए, तो बोल्ट एंड रिवेट के लिए सॉप फैब्रिकेशन के लिए 1.25 और फील्ड के लिए भी 1.25। अगर बात करें वेल्डिंग के लिए गामा एम डब्ल्यू, उसकी वैल्यू हमारे पास में होगी सॉप के लिए 1.25 एंड फील्ड के लिए 1.50। ओके, यस, बिल्कुल घनश्याम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन सा कोड है जो हमारा प्रैक्टिस हमें बताता है विच डील्स विद द जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, IS 456, IS 875, IS 1893, IS 800 and 2007। तो IS 800 and 2007 जो हमारा है LSM का कोड है, यही हमारा क्या है स्टैंडर्ड कोड फॉर प्रैक्टिस विच डील्स विद द जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। क्वेश्चन आ रखा है MP सब इंजीनियर 2018 वाले एग्जाम के अंदर, ठीक है, मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको ये बता दिया था, ठीक है, सेकंड के अंदर, ठीक है। तो 2007 वाला कोड LSM का है, 1984 वाला WSM का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दे रखा है ISLC स्टैंड्स फॉर, कि ISLC क्या स्टैंड करता है। आप देख पा रहे होंगे कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या है MP सब इंजीनियर के एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ISLC स्टैंड्स फॉर इंडियन स्टैंडर्ड लोअर वेट चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड लोअर चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट चैनल। सो व्हाट इज द करेक्ट स्टैंड्स फॉर ISLC, कमेंट फर्स्ट। बिल्कुल, जिसने फोर्थ आंसर दिया है, डी दिया है, बिल्कुल सही है, सभी का आंसर जिसने डी दिया है, जिसने सी दिया एक बार चेक कर लीजिए। तो हमारा ISLC का जो फुल फॉर्म होता है स्टैंड्स फॉर, ISLC स्टैंड्स फॉर इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट चैनल होता है। क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट चैनल होता है, ना कि इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल होता है, लाइट वेट का होता है, ठीक है। सो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए, हम सी यहां पर क्या है, सी स्टैंड फॉर चैनल, बी स्टैंड फॉर, जैसे हमारे पास में ISLB, ISJB, ISHB ये होता है ना, बीम्स होते हैं वो, और ISA वो क्या होती है, एंगल्स होती है ना। तो अब देखिए, सारे के सारे जो हमारे पास में जो RSJ है रोल्ड स्टील जॉइंट्स है, वो कौन कौन से होते हैं। अगर मैं यहां से आपके पास में आई सेक्शन की बात करूं, तो पर्टिकुलर 5 टाइप के होते हैं, ISJB, ISLB, ISMB, ISWB एंड HB। जो HB है वो हम यूज करते हैं कॉलम स्टेंशन के लिए, ठीक है, जनरली ISHB कॉलम के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाए कि आई सेक्शन जो बीम के लिए यूज करते हैं वो तो 4 लेते हैं, लेकिन होते कितने हैं हमारे आई सेक्शन, 5 टाइप के होते हैं, ISJB, LB, MB, WB, HB। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो 4 आपको सही करके आना है। जो पांचवा ISHB है वो कॉलम के लिए यूज किया जाता है। इनकी फुल फॉर्म जो है वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ISJB की इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, LB की लाइट वेट बीम, MB की मीडियम वेट बीम, WB की वाइड फ्लेंज बीम, HB की इंडियन स्टैंडर्ड हैवी वेट बीम। तो हैवी वेट वाली को हम बीम की तरह यूज ना करके हम स्टेंशन या फिर कॉलम की तरह उसको यूज करते हैं। ये तो मैंने बात करी आई सेक्शंस की। अब एक बात आप ध्यान रखना, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, जैसे आपका एग्जाम्पल ये है कि जैसे हमने आई सेक्शन यूज किया ISHB 588.752 न्यूटन पर मीटर, इसका मतलब क्या है कि जो भी हम आई सेक्शन बच्चों यूज कर रहे हैं, जैसे हमारे पास में आई सेक्शन है, ठीक है, इसकी पर्टिकुलर लेंथ होगी, ठीक है,
जिसकी थिकनेस है। ओके अब देखिए, अब यहां पे लिख रखा है एग्जाम्पल के अंदर ISHB 500। यहां पर 500 का मतलब क्या है कि इसकी पर्टिकुलर टॉप फ्लेंज से लेके, टॉप फ्लेंज की टॉप फाइबर से लेके और बॉटम फ्लेंज तक का, यहां से लेके यहां तक की जो डेप्थ है ना, ये 500 mm है, मतलब 0.5 मीटर है। ठीक है, तो ये 500 जो यूज हम करते हैं ये एज ए डेप्थ की तरह काम लेते हैं, ये जो हमारी है ISHB 500 क्या है, इसकी डेप्थ है। बाकी एडरेट के अंदर जो लिख रखा है 752 न्यूटन पर मीटर, तो इसका मतलब 1 मीटर इसका अगर लेंथ होगा ना, 1 मीटर के लेंथ के अंदर जो इसका वेट होगा वो कितना होगा, 752 न्यूटन पर मीटर के अंदर। तो जो इसका लेंथ वाइज वेट होता है वो मीटर में होता है, न्यूटन पर मीटर में होता है। लेकिन अगर इसकी सेक्शंस के डायमेंशंस की बात करें, है ना, क्रॉस सेक्शन के डायमेंशन की बात करें, तो वो सारे एमएम में होते हैं। ऐसा क्वेश्चन इसमें आ रखा है, इसलिए मैं आपको इसमें डिटेल में बता रहा हूं। सो वेयर 500 रिप्रेजेंट द टोटल डेप्थ ऑफ सेक्शन इन एमएम, मैंने एमएम नीचे अंडरलाइन कर रखा है, एंड 752 रिप्रेजेंट द वेट ऑफ सेक्शन इन रनिंग पर मीटर, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगली बात करता हूं मैं आपसे एंगल सेक्शन की। तो एंगल सेक्शन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं हमारे पास। एक होता है इक्वल एंगल, एक होता है अनइक्वल एंगल, एक होता है बल्ब एंगल। इक्वल कैसे, जैसे हम एंगल यूज कर रहे हैं, एंगल की 2 लेग्स होती है, एक लेग कनेक्टिंग लेग, एक लेग आउटस्टैंडिंग लेग होती है। अगर कनेक्टिंग और आउटस्टैंडिंग लेग दोनों की लेंथ अगर सेम है, जैसे हमारे पास में ये वैल्यू है ए और ये वैल्यू है बी, अगर A इक्वल टू B है तो हमारी कौन सी एंगल होगी, इक्वल एंगल होगी। अगर A इज नॉट इक्वल टू B तो एंगल कौन सी होगी, अनइक्वल एंगल होगी। ठीक है, तो एंगल सेक्शन जो हमारे होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एक होता है इक्वल एंगल, एक होता है अनइक्वल। इक्वल अनइक्वल कैसे, मैंने आपको बता दिया, एक होती है बल्ब एंगल। बल्ब एंगल हम कहां यूज करते हैं, जहां पर जहाज बनते हैं, जहाज बनाने के लिए हम बल्ब एंगल का यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, बल्ब एंगल के अंदर इस प्रकार से हमारी एंगल की तरह ही होती है ये एंगल भी, बस यहां पर इस प्रकार से थोड़ा प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं बल्ब एंगल। एक साइड से यहां पर इस प्रकार से थोड़ा इस तरह से बल्ब बना होता है, तो ये शिप वगैरह में काम में ली जाती है। कैसे इनोट करते हैं, ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल। कैसे, इक्वल की अगर बात करूं तो ये होगी 80, साइज की बात कर रहा हूं 80 80 10 mm। तो यहां पर 80 80 10 का मतलब क्या है, 80 का मतलब ए, इस 80 का मतलब बी, और 10 का मतलब है इसका थिकनेस। अब थिकनेस होगा ना, कनेक्टिंग एंगल और आउटस्टैंडिंग एंगल का दोनों का सेम रहता है, ये हमारे पास थिकनेस है। ठीक है, जरूर नहीं कि 80 80 10 हो, इससे कम या ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एंगल सेक्शन के लिए ध्यान रखना है कि एंगल सेक्शन कितने टाइप की होती है, और एंगल सेक्शन इज डिजाइन बाय लेंथ एंड थिकनेस, ये भी आपको ध्यान रखना है। कैसे डिजाइन करते हैं, लेंथ एंड थिकनेस इसकी डिजाइन की जाती है। चलिए फिर बात करता हूं मैं आपसे टी सेक्शन की। तो टी सेक्शन जो हमारे पास में 5 टाइप के हैं, ISNT DT LT MT एंड HT। ठीक है, क्या क्या इसके फुल फॉर्म्स है वो आपको याद कर ले रहे हैं। इसका भी जो एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखा है आपको, कि इसका जो वेट है वो क्या होगा, मतलब उसका ISNT 350 वही इसका डेप्थ होगा और वही इसका लेंथ पर मीटर, सॉरी वेट पर मीटर होगा। और ये हमारे पास में चैनल सेक्शन कितने टाइप के, 4 टाइप के, ISPG ISJC ISLC ISMC। पूछ क्या रखा था आपको, ISLC इस क्वेश्चन में पूछ रखा था, तो क्या होगा, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट चैनल हमारे पास में हो जाएगा, ये क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है। ठीक है, चलिए इसके एलिमेंट जितना भी आपको आगे बच्चे पूछ लेगा सारे याद कर लेना, आई होप कि कोई दिक्कत एग्जाम में नहीं होने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, क्या है देखिए। अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन डिटेल में पढ़ रखा होगा, समझ रखा होगा, तो आप 7 का आंसर इजीली दे पाएंगे। क्वेश्चन आ रखा है MP सब इंजीनियर 2018 के एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन ये कह रहा है, द यूनिट ऑफ रोल्ड स्टील सेक्शन एज आई बीम चैनल एंड एंगल यूज फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क इन मैट्रिक्स सिस्टम इज टेकन एज। जो भी हम आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन यूज करते हैं, इसके बारे में पूछ रखा है कि इसकी लेंथ हम किस में मेजर करते हैं और जो इसका सेक्शन है वो हम किस में मेजर करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है लेंथ इन एमएम एंड सेक्शन इन एमएम, बिल्कुल गलत है। लेंथ इन मीटर सही,
एंड सेक्शन इन एमएम। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 2 ही होगा। लेंथ को हम मीटर में यूज करते हैं और लेंथ को हम मीटर में लेते हैं और सेक्शन को हम एमएम में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। और यहां से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो होगा वो 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी लेंथ सेंटीमीटर में नहीं होती और लेंथ सेंटीमीटर में तो 3 और 4 और 1 ऑप्शन जो है यहां से इनकरेक्ट है, बाकी सारे जो बाकी जो दूसरा ऑप्शन है हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, समझिए, देन आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द रूट ऑफ द फ्लेट वेल्ट, क्या रूट ऑफ द फ्लेट वेल्ट टू द फेस ऑफ द डायग्रामेटिक वेल्ट इज नोन एज इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस या फिर इफेक्टिव डेप्थ। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बता रखा था, वो क्या होता है हमारा रूट ऑफ द वेल्ट से लेके डायग्रामेटिक फेस तक की जो वैल्यू होती है हमारे पास में वो क्या होती है इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस होती है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है के इंटू एस होता है। के डिपेंड करता है एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस कितना हमारा है, तो ये क्या होता है इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस होता है। सो 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बता भी रखा है, जैसे मेरे पास में 2 मेंबर्स हैं, मैंने उसको टी सेक्शन की फॉर्म में कनेक्ट कर रखा है, मैं उसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास में एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है, मैंने इसको कनेक्ट किया है फ्लेट वेल्ट की तरह। ये मेरे पास में क्या है जो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोड के थ्रू इसको वेल्ड करना चाहा, तो ये सारे के सारे मेरे पास में क्या है ये लेग्स बन गई यहाँ पर। तो ये इसका रूट है, ठीक है, ये पेनिट्रेशन कितना हुआ है फ्यूजन फेसेस का, कितना पेनिट्रेशन हुआ है यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू डायग्रामेटिक फेस तक की जो वैल्यू होती है वही क्या होती है इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस हमारे पास में होती है। और इस कॉर्नर से लेके डायग्रामेटिक फेस तक की थ्योरेटिकल थ्रोट होती है और ये हमारे पास में इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस होती है। इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। चलिए ओके वेट प्लीज। ठीक है, ये डिस्कशन मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में करा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू IS 800 2007 द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो लैम्ब्डा फॉर अ मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम विंड एंड अर्थक्वेक फोर्सेस। ठीक है, क्या क्या लग रहा है यहाँ पर विंड एंड अर्थक्वेक फोर्सेस 180 250 210 एंड 150 कितनी वैल्यू होती है बताइए एक बार कमेंट फास्ट। तो इसके लिए जो वैल्यू बच्चों होती है वो 250 होती है। जब भी अगर बात करें यहां पर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड और इसके साथ में रिजल्टिंग फ्रॉम विंड एंड अर्थक्वेक फोर्सेस तो उस केस के अंदर हम 250 लेते हैं। अगर विंड एंड अर्थक्वेक नहीं है, डेड लोड और इम्पोज लोड ओनली है, तो वहां पर 180 लिया जाता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है विंड एंड अर्थक्वेक फोर्सेस आ रहे हैं कंप्रेसिव लोड के साथ साथ में, तो उसके लिए हमारे पास में वैल्यू क्या होती है 250 होती है। अगर अर्थक्वेक फोर्सेस नहीं आ रहे हैं है ना, तो उस केस में 180 हम वैल्यू लेते हैं लेमड़ा की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों 2 सही हो जाएगा। मैंने आगे इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप प्लीज यहां से देख लीजिएगा। और स्लेंडर रेशियो होता है क्या है जिसे हम लेमड़ा से डिनोट करते हैं, ये होता है इफेक्टिव लेंथ और लीस्ट रेडियस ऑफ जायसर का रेशियो होता है। इफेक्टिव लेंथ क्या होती है के इंटू एल अपॉन आर होता है। ठीक है, चलिए ठीक है। और आर हमारे पास क्या था रेडियस ऑफ जायरेशन होता है जिसका फॉर्मूला भी है रूट ऑफ आई अपॉन है, डायरेक्ट आप एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये भी आप ध्यान रख लेना, नहीं तो हमें यहाँ से आर एक्सेस और आर वाई वाई में कंपेयर करके मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन यहाँ से लेनी होती है। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है कंप्रेशन मेंबर हमारा है सब्जेक्टेड टू डेड लोड लाइव लोड एंड सिस्मिक और विंड लोड, तो क्या वैल्यू होगी लैम्ब्डा की 250 होगी। तो 250 हमारा आंसर बिल्कुल सही था। अगर सिस्मिक और विंड लोड नहीं है तो डेड लोड और ओनली इम्पोस्ट लोड होता तो वहां पर 180 होती। ठीक है, एंड कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ बीम रीस्टेंड अगेन लेटरल टॉर्जन बकलिंग, तो उस केस में हम वैल्यू लेते हैं 300। कितनी वैल्यू लेते हैं 300 वैल्यू इसकी ली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखिए एक बार देखिए। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ ए जॉइंट इन अ बोल्टेड कनेक्शन इज 620 किलो न्यूटन। ठीक है,
जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट है, हमारा कनेक्शन है बोल्डेड कनेक्शन, उसकी जो वैल्यू दे रखी है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट की आपको दे रखी है 620। ओके, द साइज ऑफ प्लेट इज 180 mm विड्थ एंड 20 mm थिक। प्लेट की साइज दे रखी है 180 mm विड्थ एंड 20 mm थिक। इफ द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऑफ प्लेट एज यील्ड स्ट्रेंथ आपको दे रखा है 250 Nm² एंड पार्शियल सेफ्टी फैक्टर एज 1.1, देन द एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट इज, कि एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट होता है क्या है। तो आपने अगर पढ़ रखा होगा स्टील ही अंदर एफिशिएंसी का फॉर्मूला, अगर वो होता है एफिशिएंसी को इनोट करते हैं नीटा से, एक्चुअली होता है क्या है स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट पर पिच लेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट पर पिच लेंथ अपॉन में क्या होता है स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट होता है, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट, इसको मल्टीप्लाई करना होता है हमें 100 से। ठीक है, अब स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, वो दे रखा है 620। चलिए कोई दिक्कत नहीं, वही पुट कर लीजिए 620, वही दे रखा है आपको किलो न्यूटन के अंदर, डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट। अब सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ का फॉर्मूला एक्चुअली होता है क्या है, वो होता है 0.9 Fu इंटू पिच इंटू टी अपॉन गामा एम डब्ल्यू होता है। लेकिन यहां पर ना तो पिच दे रखा है ना थिकनेस दे, मतलब थिकनेस तो दे रखा है लेकिन यहां पर पिच नहीं दे रखा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम जो हमारा प्लेट है स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट है, जैसे हमारे पास ये प्लेट है बच्चों, ठीक है, इस प्लेट की स्ट्रेंथ क्या होगी, इस सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ क्या होगी, तो इसमें कितना स्ट्रेस डेवलप होगा और इसका एरिया क्या होगा, यही तो इसकी स्ट्रेंथ होगी, है ना। स्ट्रेंथ क्या होता है एक्चुअली, स्ट्रेस क्या होता है हमारा फोर्स इंटू एरिया होता है। अगर मैं यहां से फोर्स निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा स्ट्रेस इंटू एरिया, ठीक है, यही तो P जो है वो क्या है स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट हमारा है। ठीक है, अब यहां पर जो स्ट्रेस है वो क्या होगा, है ना, स्ट्रेस क्या होगा, तो स्ट्रेस हमारा क्या होगा आपको दे रखा क्वेश्चन के अंदर यील्डिंग स्ट्रेस, जो कि हमारे क्या होती है Fy। और जैसा कि मैंने पहले आपको बता रखा था कि Fy हमारा जो होता है इसके साथ में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू क्या लेते हैं, Fy के साथ में गामा एम नोट लेते हैं जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.10 होती है। तो पर्टिकुलर सिग्मा की वैल्यू Fy अपॉन 1.10 इंटू में इस प्लेट का एरिया क्या होगा, यही तो हमारा एरिया होगा क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसकी साइज आपको दे रखी क्वेश्चन के अंदर 180 mm बाय 20 mm थिक। ठीक है, तो 180 mm की इसकी विड्थ है एंड 20 mm की इसकी थिकनेस है। ठीक है, तो Fy इंटू 180 इंटू 20 mm ये वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। सो Fy दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 250 अपॉन 1.10 इंटू 180 इंटू 20। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आपके पास में आंसर आ जाएगा 75. इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 75.75%। ठीक है, दिस इज द आंसर। अब यहाँ मैच कर लीजिए तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 3 ऑप्शन मैच हो रहा है, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। ओके, आई होप कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है देखिए एक बार। अब स्टील कॉलम जिसका आपको दे रखा है यील्ड स्ट्रेस Fy 250 Nm², Fu दे रखा है 410 Nm² एंड Fcd दे रखा है डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस दे रखा है 200 Nm² ऑफ इफेक्टिव सेक्शन एरिया आपको दे रखा है 6000 Nm² will have strength equal to, कितना इसका स्ट्रेंथ होगा ये आपको बताना है। सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जनरली यहाँ पर Fy और Fu को यूज़ नहीं करके हम यहाँ पे Fcd यूज़ करते हैं, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस को यहाँ पे यूज़ किया जाता है, और आपको डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस की दे रखी है 200 MPa और इसी के साथ में इफेक्टिव सेक्शन एरिया आपको दे रखा है 6000 Nm². इसने पूछा स्ट्रेंथ क्या होगा ये आपको पूछा है, तो स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला आपके सामने ये रहा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू IS 8 2007 तो जो स्ट्रेंथ होता है आपका हो जाएगा PC = FCD * ग्रॉस एरिया
ठीक है, क्वेश्चन में एबसीडी और ओसेज आपकी वैल्यू दे रखी है, तो अगर हम एबसीडी और एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारे पास में आएगी 1200 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा 1200 किस में आ रहा है, वन के अंदर, तो वन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है देखिए। एज पर आईएस 800/1984 द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेटन कॉलम शुड बी इंक्रीज बाय, तो अगर हम बात करें बेटन कॉलम की, बेटन कॉलम की जो लेंथ है वो 10% इंक्रीज हो जाती है, तो 10% कहां पर आ रहा है, वो फोर्थ ऑप्शन के अंदर था, फोर्थ इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, बेटन कॉलम की लेंथ जो है वो 10% इंक्रीज, अगर बेटन की जगह लेसिंग हो तो लेसिंग के केस के अंदर 5% इंक्रीज होती है, 5% इंक्रीज होती है, बेटन में कितना, बेटन के अंदर 10% स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लेसिंग बेटन में से आपको क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब भी आप लेसिंग और बेटन प्रोवाइड करवाओ तो लेसिंग कितना लोड कैरी कर सकती है, तो वो 2.5% ऑफ पी, 2.5% ऑफ पी लोड कैरी कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा जो है, जो भी आप लेसिंग और लेसिंग यूज कर रहे हो तो लेसिंग प्लेट की जो विड्थ है वो कितनी होती है, जो भी आपने डायमीटर ऑफ द बोल्ट यूज किया है उसका 3 गुना होती है। एग्जाम्पल की अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, डायमीटर ऑफ द बोल्ट आपने यूज किया है 20 mm का, ठीक है, तो जो बेटन सॉरी जो आपका लेसिंग प्लेट है इसकी विड्थ क्या होगी, तो लेसिंग विड्थ का जो फॉर्मूला होता है वो 3×d होता है, तो यहां से बी इज इक्वल टू 3×d, डी यहां पर क्या डायमीटर बोल्ट कितना 20 mm, तो यहां से आप निकाले तो 60 mm आपका यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो आपकी लेसिंग प्लेट है, अब जो लेसिंग है वो सिंगल लेसिंग भी हो सकती है और डबल लेसिंग भी हो सकती है। ठीक है, सिंगल लेसिंग के केस के अंदर थिकनेस ऑफ लेसिंग सिंगल बेटन के अंदर कितना होता है, ठीक है सिंगल लेसिंग के अंदर थिकनेस कितना होता है और डबल लेसिंग के लिए थिकनेस ऑफ प्लेट हम कितना लेते हैं। ठीक है, तो सिंगल लेसिंग की अगर बात करूं तो जितना भी आपका लेसिंग का लेंथ है उसके लेंथ का कितना 40, ठीक है, लेंथ का 40वां भाग, इफेक्टिव लेंथ का 40वां भाग। और अगर बात करें डबल लेसिंग की, तो डबल लेसिंग के केस के अंदर जो इसकी इफेक्टिव लेंथ होती है इसकी LE/60 वैल्यू ली जाती है। ये इसके अराउंड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पुट हो सकते हैं। ठीक है, सो आई एम रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम स्टूडेंट्स, ओके प्लीज शेयर। और यहां से आपको क्वेश्चन पूछ रखा है बच्चों, एज पर IS 800/1984 इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेटन कॉलम शुड बी इंक्रीज बाय हाउ मच, कितना 10%, 5% किसके लिए होता है, 5% हमारा होता है लेसिंग के लिए, है ना। लेसिंग भी दो टाइप की होती है, सिंगल लेसिंग डबल लेसिंग, और सिंगल लेसिंग डबल लेसिंग का विड्थ और जो थिकनेस है किस फॉर्मूला से फाइंड करना है, फॉर्मूला आपको दे रखा है, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। ठीक है, और लेसिंग के केस में 5% इंक्रीज होता है और बेटन के केस के अंदर 10% इंक्रीज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द डिजाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स, रिवेटेड जॉइंट हम करते हैं तो वहां पर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, गलत है, तो बताइए, तो इनमें से गलत कौन सा है। पहला ऑप्शन दे रखा है स्ट्रेस इन प्लेट इज यूनिफॉर्म, बिल्कुल जो भी प्लेट के अंदर स्ट्रेस है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट आपको दे रखा है रिवेट्स आर अज्यूम टू बी स्ट्रेस इक्वली, बिल्कुल सारे के सारे जो रिवेट्स है वो इक्वली स्ट्रेस्ड होने चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है, बियरिंग स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म बिटवीन प्लेट्स एंड रिवेट्स, बिल्कुल सही है, बियरिंग स्ट्रेस भी बिटवीन प्लेट्स एंड रिवेट्स यूनिफॉर्म होने चाहिए। फोर्थ क्या कह रहा है, फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट्स इज टू बी कंसिडर्ड, नहीं, फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट्स उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, उसको नेग्लेक्ट करते हैं, क्या उसको नेग्लेक्ट करते हैं, तो यही हमारा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब क्या क्या स्टेटमेंट्स होते हैं पर्टिकुलर हम जब डिजाइन करते हैं तो उस टाइम जो हमारा जो स्टेटमेंट है वो कौन कौन से होते हैं उसकी बात कर लेते हैं, तो देखिए एक बार जरा। वेट प्लीज,
ये कुछ स्टेटमेंट्स मैंने आपको बता रखे हैं, क्योंकि अजम्पशंस कौन कौन सी है। तो जो भी आपके पास में फ्रिक्शन अमंग द प्लेट्स होता है उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, कंसिडर नहीं करते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा अजम्पशन आपको ध्यान रखना है कि सियर स्ट्रेस अक्रॉस ए क्रॉस सेक्शन ऑफ रिवेट इज यूनिफॉर्म। तो सियर स्ट्रेस अक्रॉस ए सेक्शन ऑफ रिवेट हमारे पास में वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। तीसरा अजम्पशन आपको ये ध्यान रखना है, द बियरिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द प्लेट क्रॉस सेक्शन बिटवीन रिवेट्स होल इज यूनिफॉर्म। एंड और आपको ध्यान रखना है, ऑल रिवेट्स विद इन अ रिवेटिंग ग्रुप सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट लोड पासिंग थ्रू सीजी शेयर द लोड इक्वली। तो सारे सारे रिवेट्स है जितनी भी लगी हुई है ब्रैकेट के अंदर या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, वो जो लोड है उसकी सीजी से पास होना चाहिए, और जितनी भी रिवेट्स है वो रिवेट्स के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ये भी एक अजम्पशन है, ठीक है। और अजम्पशन क्या है, रिवेट शंक जो होता है एंड आफ्टर ड्राइविंग फिल द रिवेट होल कंप्लीटली। जो उसका प्लेट के अंदर होल है रिवेट डालने के बाद में पूरा का पूरा होल है वो फिल होना चाहिए, कंप्लीटली फिल होना चाहिए, ठीक है। लास्ट अजम्पशन आपको ये ध्यान रखना है, द टेंसाइल स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म इन द सेक्शन ऑफ मेटल बिटवीन द रिवेट। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14, द मिनिमम लेंथ ऑफ बट वेल्ड सेल बी। बट वेल्ड की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बता रखा था सॉल्यूशन के अंदर, शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ दे रहा इक्वल टू थिकनेस, थिकर प्लेट थिकनेस इक्वल टू थिनर प्लेट थिकनेस, 2 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड एंड 4 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड या फिर 40 mm, ठीक है। तो यहाँ से 4 टाइम्स वाला ऑप्शन हमारा जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन आ रखा था एम पी सब इंजीनियर 2017 वाले एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने ये रहा, क्या कह रहा है, इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस द आर्क इज शील्डेड इन ऑर्डर टू। जो हम आर्क वेल्डिंग करते हैं ना, दो मेंबर को कनेक्ट करने के लिए हम वेल्डिंग करेंगे, तो जो आर्क वेल्डिंग हम जब यूज करते हैं तो वहां पर एक क्वेश्चन पूछ रखा है, इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस द आर्क इज शील्डेड इन ऑर्डर टू। आर्क को हम कैसे शील्ड करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। दूसरा दे रखा है कंट्रोल मेल्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोड फॉर मोर यूजेस ऑफ एनर्जी ओनली। थर्ड दे रखा है एड अलोइंग इंग्रेडिएंट्स ओनली। एंड फोर्थ दे रखा है प्रोटेक्ट मोल्टेन मेटल फ्रॉम एयर इधर विद गैस वेपर और स्लैग ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हमारे पास में ये आर्क वेल्डिंग के सारे सारे ऑप्शन जो है वो सही है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। कुछ मैंने यहाँ पर डेटा लिख रखा है, डेटा आप प्लीज़ याद कर लीजिएगा। ये हमारे पास में डायग्राम जो है वो आर्क वेल्डिंग का है, ये हमारे पास में कोई मेंबर है बच्चों, इस मेंबर को, ये हमारे पास में बेस मेटल है, इस मेटल को वेल्ड करना है। तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के पेरीफेरी के अंदर जो है वो आपको दे रखा होगा, शील्ड कर रखा होगा, कोटिंग कर रखी होगी, ठीक है, शील्डेड और हैवी कोटिंग कर रखा होगा। इन कोटिंग के बीच के अंदर हमारा इलेक्ट्रोड कोर वायर होते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी मेटल को वेल्ड करते हैं तो वहाँ पर जो है कुछ गैस प्रवलप होती है, और वहाँ पर जो हम कह सकते हैं क्रेटर या फिर मोल्टेन मैग्मा, जो हमारे पास मैग्मा वगैरह है वो यहाँ पर डेवलप होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में जैसे हम वेल्ड हमने स्टार्ट किया था और कंटिन्यूसली आगे तक बढ़ रहे हैं, इसको हम पेनिट्रेट करें तो यहाँ पर स्लैग यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ से जितनी भी जितनी वैल्यूज हमारे पास में थी ऑप्शन के अंदर वो सारी सारी सही थी, ऑल ऑप्शन सारे यहाँ पर क्या है वो करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 16, एज पर आईएस 800/1984 व्हाट इज द एक्सियल टेंशन फॉर माइल्ड स्टील पावर ड्राइवन रिवेट। एक्सियल टेंशन फॉर माइल्ड स्टील पावर ड्राइवन रिवेट के लिए क्या वैल्यू होती है, 100 मेगा पास्कल, 250 मेगा पास्कल, 415 मेगा पास्कल या फिर 1000 मेगा पास्कल, क्या वैल्यू होती है बताइए जरा, ठीक है। तो एक बार इंडेक्स आप देख लीजिएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिवेट कौन कौन सी होती है, पावर ड्राइवन ऑफ रिवेट होती है हमारे पास में, पावर ड्राइवन फील्ड रिवेट होती है, हैंड ड्रिवन रिवेट होती है, तीन टाइप की रिवेट आपको ध्यान रखनी है। इसके लिए पर्टिकुलर तीनों के तीनों रिवेट के लिए एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस कितनी होती है, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है और बियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। चलिए वेट प्लीज,
ओके तो पावर ड्राइवन 100 प्रीवेट के लिए एक्सल 10,000 स्ट्रेस की वैल्यू 100, सिर स्ट्रेस की वैल्यू भी 100, लेकिन बियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू होती है 300, ठीक है, मेगा पास्कल। और पावर ड्राइवन फील्ड रिवेट की वैल्यू जो होती है, अगर फील्ड में काम करें तो जो इसकी स्ट्रेंथ है वो 10% क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। तो 100 का 10% रिड्यूस होकर कितना बचेगा, 90% बचेगा। तो 100 की जगह यहाँ पे हो जाएगी फील्ड के लिए 90, टेंसाइल स्ट्रेस, सेल स्ट्रेस की वैल्यू फील्ड के लिए, फील्ड रिवेट के लिए 90, एंड बियरिंग से यहाँ पे 300 थी, तो 300 का 10% रिड्यूस हो जाएगा एज कम्पेयर टू शॉप, है ना, तो हो जाएगा 270। अगर बात करें हैंड ड्रिवन रिवेट की, अगर फील्ड के अंदर हम हैंड से फील्ड को ड्रिवन कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू 80, सिर स्ट्रेस की वैल्यू 80 और बियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू 250। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है पावर ड्राइवन रिवेट के लिए हमें यहाँ पर जो है वो एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस क्या लेनी है, यहाँ पर आपको ये नहीं दे रखा है कि शॉप रिवेट है या फील्ड रिवेट है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, तो आपको वहाँ पर लेना है शॉप रिवेट, तो शॉप रिवेट के लिए आपको लेना 100, है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 100 किस में आ रहा है, 1 के अंदर आ रहा है, तो 1 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एज पर स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील द यूनिट मास ऑफ स्टील इज, तो यूनिट मास ऑफ स्टील कितना होता है, 7850 केजी पर एम क्यूब होता है, सो 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कई बार रिपीट हो चुका है, ध्यान रखना पर्टिकुलर स्टील के लिए हमारे पास में क्या क्या वैल्यूज होती है, पॉइजन रेशियो वगैरह क्या होते हैं, ये आप ध्यान रखना। तो यूनिट मास ऑफ स्टील कितना होता है, इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 7850 केजी पर एम क्यूब। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है, 2×10⁵ मेगापास्कल। पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी होती है, 0.3। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना होता है, 0.769×10⁵ मेगापास्कल। इसी के साथ में कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन जो अल्फा होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 12×10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस वैल्यू इसकी होती है। चलिए ये वैल्यूज आपको याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, व्हाट इज द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ फॉर अ कॉलम हेल्ड इन पोजिशन एंड रीस्ट्रेंड अगेन रोटेशन एट वन एंड, एंड द अदर एंड इज रीस्ट्रेंड अगेन रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजिशन। समझते हैं इसको, कैसे समझेंगे, देखिए एक बार जरा। एक हमारे पास में कॉलम है, अभी तक दोनों एंड जो है कॉलम की अभी तक फ्री है, ना तो हमने उसको फिक्स कर रखा है, रीस्टैंड नहीं कर रखा है। सो इसने पूछा है व्हाट इज द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ फॉर अ कॉलम हेल्ड इन पोजिशन एंड रीस्ट्रेंड अगेन रोटेशन एट वन एंड। तो इसका जो एक सिरा है, वन एंड जो है वो हेल्ड इन पोजिशन है, मतलब अपनी जगह पर स्थिर है, अपनी जगह पर रीस्ट्रेंड है, अपनी जगह पर फिक्स्ड है, एंड रीस्ट्रेंड अगेन रोटेशन, तो ये जो है रोटेट भी नहीं कर सकता। मतलब ये जो हमारे पास में कॉलम है, ये कॉलम का एक एंड है, ये अनदर एंड है। तो कॉलम का जो एक सिरा है, ये वाला एंड है, वो अपनी जगह पर क्या है, हेल्ड है, लिख रखा है ना, हेल्ड इन पोजिशन। तो इसकी जगह एक सिरा जो है वो हेल्ड है, हेल्ड इन पोजिशन है, एंड लिख रखा है वही सिरा नीचे वाला रीस्टैंड अगेन रोटेशन, ये रोटेट भी नहीं कर सकता, नीचे वाला सिरा जो है वो रोटेट भी नहीं कर सकता। तो रोटेशन में भी क्या है, रीस्टैंड है, और पोजिशन में क्या है, हेल्ड है, मतलब पूरी तरह से कंप्लीटली क्या है, फिक्स्ड है। लेकिन इसका ऊपर का सिरा जो है वो दे रखा है एंड, एट द अदर एंड जो आपका ये अदर एंड है वो क्या है, रीस्ट्रेंड अगेन रोटेशन है, मतलब रोटेट नहीं कर सकता, मतलब ये इस तरीके से रोटेट जो है वो नहीं कर सकता, घूम नहीं सकता, लेकिन बट नॉट हेल्ड इन पोजिशन, पोजिशन में हेल्ड नहीं, पोजिशन में फ्री है, रोटेट तो नहीं कर सकता लेकिन नॉट हेल्ड इन पोजिशन। तो इस केस में वैल्यू क्या होगी, 1.2L, 1.2L, 0.8L, 1.5L, 0.65L। तो इस केस में जो वैल्यू होती है वो 1.2L होती है, ठीक है, याद कर लीजिएगा प्लीज। अगर दोनों के दोनों अगर फिक्स होते तो 1.65L वैल्यू ली जाती है वहां पर। अब एक इंडेक्स जो है आपको याद कर लेनी है हमेशा के लिए, IS 800 2007, क्लोज 7.2.2, कुछ एंड कंडीशंस आपको दे रखी है, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन था हमारा वो ये था, एक कॉलम का एंड रीस्ट्रेंड है, हेल्ड इन रीस्ट्रेंड, एंड पोजिशन के अंदर भी रीस्ट्रेंड, रोटेशन में भी रीस्ट्रेंड। लेकिन यहां पर देखिए ट्रांसलेशन के लिए अदर एंड जो है वो फ्री है, लेकिन रोटेशन के लिए रीस्ट्रेंड है, तो उसके लिए 1.2L है, इसी वैल्यू क्वेश्चन में आपको पूछ रखी है। तो 1.2L, अगर दोनों के दोनों एंड अगर फिक्स होते तो 0.65L होती, तो वहां पर 1.2L वाला ऑप्शन बिल्कुल
सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इन द डिजाइन ऑफ एनी स्टील स्ट्रक्चर्स अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेंथ टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ, लेटरल स्ट्रेंथ टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होती। तो लेटरल स्ट्रेंथ होता है क्या एक्चुअली, अगर मैं डायमीटर के रेस्पेक्ट में बात करूं, डेल डी, ये हमारे पास में क्या है, डेल डी अपॉन डी, ये है हमारे पास में लेटरल स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ लेटरल वाली, ठीक है, लेटरल स्ट्रेंथ, ओके। अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ की, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं आपसे, तो वो लेंथ वाइज अगर बात करें तो ये हो जाएगी डेल एल अपॉन एल, ठीक है। तो इसने पूछा है, इन द डिजाइन ऑफ एनी स्टील स्ट्रक्चर अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेंथ टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होती है। एक्सियल स्ट्रेंथ होती है, स्लेंडरनेस रेशियो होती है, स्ट्रेन स्ट्रेन होती है, या फिर पॉइजन रेशियो होती है। तो ये जो वैल्यू होती है हमारे पास में क्या होती है, पॉइजन रेशियो होती है, जिसको हम 1 अपॉन एम या फिर म्यू से नोट करते हैं, ठीक है। तो लेटरल स्ट्रेंथ मतलब डेल डी अपॉन डी डिवाइडेड बाय डेल एल अपॉन एल, ये क्या है, डेल डी अपॉन डी लेटरल स्ट्रेंथ है, और डेल एल अपॉन एल क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ है। तो इसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, पॉइजन रेशियो होता है। फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इन स्टील स्ट्रक्चर्स द मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव लोड पी, कंप्रेसिव लोड पी क्या लेते हैं, विच कैन बी अलाउड ऑन कंप्रेशन मेंबर। तो वो पी एक्चुअली क्या है, लोड, लोड कैसे आएगा, जो भी आपकी स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस को अगर आप एरिया से मल्टीप्लाई कर लोगे तो पी आ जाएगा। तो सिंपली देख लीजिए कौन सा फॉर्मूला यहां पर मैच हो रहा है, तो पी यहां पे दे रखा है स्ट्रेस इंटू 2.5 टाइम्स ऑफ एरिया, नहीं ये गलत है, पी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन एरिया, ये भी गलत है, पी इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया बिल्कुल सही, स्ट्रेस इंटू एरिया हमारा होता है, पी इज इक्वल टू पी इंटू 2 इंटू सिग्मा ए सी इंटू ए, ये गलत है, तो 3 इज द राइट आंसर। इतने सिंपल क्वेश्चन जो है एमपी सब इंजीनियर के अंदर आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। द एफिशिएंसी ऑफ द रिवेटेड जॉइंट इज इक्वल टू, जो एफिशिएंसी होती है रिवेटेड जॉइंट की, नीट है जिससे हम बोलते हैं ये क्या होती है, तो स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट पर पिच लेंथ अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट इंटू 100, यही हमारी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है रिवेटेड जॉइंट या फिर बोल्टेड जॉइंट की। तो किसने मैच कर रहा है फॉर्मूला देख लीजिए एक बार, तो स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेटेड जॉइंट पर पिच लेंथ अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट कौन से में आ रहा है देख लीजिए एक बार, ये हमारे पास में आ रहा है थर्ड ऑप्शन के अंदर, सो थर्ड इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेटेड जॉइंट पर पिच लेंथ होना चाहिए था यहाँ पर, अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट इंटू 100, यही हमारे पास में क्या होता है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बोल्ट इफ अ ब्रैकेट इज कनेक्टेड टू अ टाई बार बाय मींस ऑफ 5 बोल्ट्स, गिवन शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू 150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एंड लोड 55 किलोन्यूटन। क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है आपको एरिया फाइंड करना है, क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड करना है बोल्ट्स का जो ब्रैकेट के अंदर लगे हुए हैं, ठीक है, 5 बोल्ट लगे हुए, इन सब का आपको एरिया फाइंड करना है कितना एरिया होगा, ठीक है, आपको स्ट्रेस दे रखी है और लोड दे रखा है। अब सिंपली हमें पता है कि स्ट्रेस क्या होता है, लोड अपॉन एरिया होता है, पी अपॉन ए, इतने सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे, ठीक है। यहां से आपको एरिया पूछ रखा तो एरिया क्या हो जाएगा, पी अपॉन स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है, एरिया तो पूछा आपको, फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बोल्ट, बिल्कुल एरिया पूछ रखा है, पी आपको दे रखा है, लोड दे रखा है 55 किलोन्यूटन, तो 55 किलो दे रखा, किलो को मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 3, अपॉन में एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, डाया दे रखा होगा आपको बोल्ट का, वो दे रखा है डाया, शियर स्ट्रेस, गिवन शियर स्ट्रेस आपको दे रखा है 150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है, हाँ स्ट्रेस ही आपको दे रखा है, तो पी अपॉन स्ट्रेस आप कर लीजिए एक बार, तो स्ट्रेस आपको दे रखा है 150 और ये दे रखा है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के अंदर, और ये दे रखा है न्यूटन के अंदर, तो आपको इसको भी करना पड़ेगा चेंज न्यूटन के अंदर, तो हमने कर लिया है, यहां से आप एरिया फाइंड कर लीजिएगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 366.666 एमएम स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है एक बार देख लीजिए आप,
तो हमारा ऑप्शन वन वाला मैच कर रहा है, तो वन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ स्टील। स्टील के बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट हम यूज करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, सीयर स्ट्रेंथ टेस्ट या फिर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट। तो हमें से अगर बात करते हैं बेंडिंग की, तो बेंडिंग स्ट्रेस अगर हमें फाइंड करना हो स्टील का, तो उसके लिए फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट जो है हमें यूज करना होता है। सो फोर्थ इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द वर्किंग स्ट्रेस ऑफ होलो स्टील कॉलम विद लोड ऑफ 3500 kN एंड अल्टीमेट स्ट्रेस इज 540 Nm², यूज सेफ्टी फैक्टर एस 5। ठीक है, आपको फाइंड करना है वर्किंग स्ट्रेस, फाइंड करना है कितना वर्किंग स्ट्रेस होता है, और आपको यहां पर जो है लोड दे रखा है 3500 kN का एंड अल्टीमेट स्ट्रेस आपको दे रखी है 540 Nm² और फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है आपको 5। ठीक है, चलिए कर लेते हैं कितना हमारे पास वर्किंग स्ट्रेस होता है। एक्चुअली फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा होता क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपको दे रखा क्वेश्चन के अंदर अल्टीमेट स्ट्रेस जो कि दे रखा 540, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है आपको 5, वैल्यू पुट कर लीजिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर्मूला हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, यहां से अगर हम वर्किंग स्ट्रेस फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी 540 एंड एफवर्स दे रखा है 5, डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 108 MPa। तो 108 किस में आ रहा देख लीजिए जरा, तो 108 जो हमारा आ रहा है वो 1 के अंदर आता है, तो 1 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अब ये दे रखा है आपको फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ रिवेट होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ द प्लेट होता है, टैगिंग रिवेट, पिच, नॉमिनल डायमीटर एंड मार्जिन। यहां पे मार्जिन की जगह इसको एज डिस्टेंस या फिर एंड डिस्टेंस लिखना चाहिए था, इसने लिखा मार्जिन, दोनों एक ही बात है। इसको समझते हैं क्या क्वेश्चन है, जैसे हमने कोई प्लेट यूज कर रखी है, ये हमारे पास में एक प्लेट है, ठीक है, इस प्लेट को अनदर प्लेट से कनेक्ट करना है यूजिंग बोल्ट और रिवेट्स। तो हम क्या करेंगे, यहां पर कुछ होल्स करेंगे, ये मैंने यहां पर कुछ होल्स कर दिए, दो होल्स यहां पे मैंने कर दिए हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, और यहां पर जो लग रहा है फोर्स लग रहा है, ये मैंने यहां पे टेंसाइल फोर्स लगा दिया। ओके, यहां पे मैंने जो है टेंसाइल फोर्स लगा दिया, वेट प्लीज, हेलो, बढ़िया हूँ भूपेंद्र सिंह राजपुरोहित जी, कैसे हो, कहाँ पोस्टिंग है अभी आपकी, जैसलमेर, बढ़िया हूँ एकदम, आप बताइए आप कैसे हैं। ठीक है, तो देखिए एक बार जरा कि जैसे मैंने यहाँ पर प्लेट के अंदर दो होल्स कर दिए, अब दो होल्स मैंने यहाँ किए, दो होल्स सपोज मैंने यहाँ कर लिए, ठीक है, टोटल मैंने 4 होल्स कर लिए। अब देखिए इस केस में इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, दो बोल्टों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं पिच। तो इस बोल्ट के सेंटर से लेके इस बोल्ट के सेंटर तक की बीच की डिस्टेंस जो होगी ये वाली, इसको बोलूंगा मैं पिच, क्या बोलूंगा, पिच बोलूंगा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास में बोल्ट है, इस बोल्ट के सेंटर से लेके जो इस प्लेट का एंड है, इस एंड तक की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है, ये डिस्टेंस जो हमारी होगी, इसी को मैं बोलूंगा मार्जिन। ये जो मार्जिन है इसको मैं बोलूंगा एंड डिस्टेंस, क्यों, हमारा ये जो प्लेट है इसका एंड यहां पर आ रहा है, तो प्लेट के एंड से लेके इसके जो नियरेस्ट बोल्ट है इसके सेंटर तक की डिस्टेंस जो होती है वही हमारी क्या होती है बच्चों, ये हमारी एंड डिस्टेंस होती है। ठीक है, ये क्या है, मार्जिन को ही क्या बोल रखा है, एंड डिस्टेंस इसने बोल रखा है। ठीक है, मार्जिन हमारा क्या होता है, ये एंड डिस्टेंस होता है। अच्छा, नाचना में पोस्टिंग है आपकी जैसलमेर, वेरी गुड। ठीक है, ये तो मैंने बताया आपको एंड डिस्टेंस। अगर हम बात करें एज डिस्टेंस की,
तो जो हमारे पास में बोल्ट है, इस बोल्ट के सेंटर से लेके नियरेस्ट एज जो हमारा है, इसके एज तक की डिस्टेंस, ये हमारी एज डिस्टेंस। तो एज डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस और मार्जिन सारे एक ही बात है। तो ये जो मार्जिन होता है ना, मार्जिन इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ रिवेट होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ द प्लेट, यही हमारा क्या होता है, मार्जिन होता है। ठीक है, अब मार्जिन जो होता है हमें इस यहाँ पे एंड डिस्टेंस भी कह सकते हैं और एंड डिस्टेंस भी कह सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं एंड डिस्टेंस की, ठीक है, तो जो एंड डिस्टेंस होती है वो दो बातों पर डिपेंड करेगी कि अगर आप प्लेट के अंदर जो होल कर रहे हो वो होल आप हथौड़ा और चेनी लेके कर रहे हो, मतलब हैंड बोल्टिंग कर रहे हो, या फिर आप मशीन कट कर रहे हो। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जो अगर आप बात कर रहे हो एंड डिस्टेंस या फिर एज डिस्टेंस की, ठीक है, एंड डिस्टेंस जो हमारा होता है, अगर मैं बात करूं पहला हैंड कट की, अगर आप प्लेट के अंदर होल हाथ से कर रहे हैं, और दूसरा मैं बात करूंगा आपसे मशीन कट की, मशीन कट अगर आप कर रहे हैं, तो इस केस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर आप हैंड कट कर रहे हैं तो आपकी जो एंड डिस्टेंस होगी या फिर एज डिस्टेंस होगी, ई इसको मैं डिनोट करूंगा ई से, स्मॉल ई से, तो ये होगी 1.5 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द होल, डी नॉट। ठीक है, अगर बात करूं मशीन, ये आपकी जो हैंड कट है, हैंड कट की वैल्यू होती है आपकी 1.7। ठीक है, वेट प्लीज, हैंड कट के लिए वैल्यू आपकी होगी 1.7 डी नॉट, और अगर बात करें मशीन कट के लिए एज डिस्टेंस या फिर एंड डिस्टेंस होती है वो होती है 1.5 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द होल, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें पिच की, तो इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स द डिस्टेंस बिटवीन टू बोल्ट या फिर सेंटर सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू बोल्ट इज नोन एज पिच, और पिच जो मिनिमम होता है, पिच मिनिमम जो होता है ये आपको लेना होता है 2.5 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द बोल्ट। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला। इसके अलावा आपको पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कंप्रेशन मेंबर का, कंप्रेशन मेंबर का पिच बोल सकता है, कंप्रेशन मेंबर का पिच अगर पूछे तो आपको बताना है कि ये जो हमारे पास में पिच होता है मैक्सिमम, ये मैंने बताया मिनिमम, अब बता रहा हूं मैक्सिमम। तो कंप्रेशन मेंबर के अंदर जो पिच होता है, कंप्रेशन पिच जो होता है वो होता है 1280 और 200 mm। ठीक है, 1280 यहां पर क्या है, मिनिमम साइज, मिनिमम थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। अगर बात करूं टेंशन मेंबर की, तो टेंशन मेंबर के अंदर टेंशन पिच जो हमारे पास में होता है, पिच मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो वो होता है 16T और 200 mm। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद कर लेना हमेशा के लिए। और अगर मैं आपसे बात करूं टेकिंग रिवेट के केस के अंदर, या फिर पिच, या फिर बात करूं मैं आपसे, जो आपने बोल्टिंग कर रखी है वो स्टेगर्ड कर रखी है, ये जो मैंने बोल्टिंग कर रखी है वो करी चैन बोल्टिंग। ठीक है, अगर आपने स्टेगर्ड मतलब बोल्ट जो है इवन अनइवनली कहीं पर भी लगा दिए, तो उस केस के अंदर जो पिच मैक्सिमम होता है वो होता है 32T, है ना, 32T और 300 mm, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये डेटा आपको एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा था कि इनमें से कौन सी वैल्यू जो होती है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रिवेट होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ द प्लेट, वो क्या होता है, मार्जिन, या फिर उसको हम एज डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, जिसके फॉर्मूल्स क्या है कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ अ माइल्ड स्टील रोड ऑफ 18 mm डाया गिवन अल्टीमेट लोड 9 टन। आपको फाइंड करना है टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ माइल्ड स्टील क्या होगा। आपको माइल्ड स्टील रोड का डाया दे रखा 18 mm का, और अल्टीमेट स्ट्रेस जो वैल्यू दे रखी है 9 टन की दे रखी है। सिंपली वही स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको यहां से स्ट्रेस मिल जाएगी। तो मैंने जस्ट वही किया है, ठीक है, तो आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, एक्चुअली स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, चलिए तो स्ट्रेस आप फाइंड कर लीजिए, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास जो बार है उसका एरिया हो जाएगा बाय बाय 4 इंटू इसके बार का स्क्वायर। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ पी
अपॉन पाई इंटू फाई स्क्वायर, तो 4 टाइम्स ऑफ पी। पी आपको दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस आपको फाइंड करना है, ठीक है, और लोड दे रखा है 9 टन का और डायर दे रखा है 18 mm का। चलिए तो 9 टन आपको पी दे रखा है, पाई अपॉन पाई इंटू फाई, फाई दे रखा है आपको 18 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास में 0.03 के समथिंग, ठीक है, और ये आएगी टन पर स्क्वायर एमएम के अंदर, 0.031 इज द राइट आंसर, ठीक है, टन पर स्क्वायर एमएम, सो 0.03 इज द राइट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से आपको फाइंड कर लेना। तो इतने सिंपल क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ये आपके सामने, गिवन फिगर रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ जॉइंट, जो आपको फिगर दे रखा है ये बताना है कि किस टाइप का जॉइंट है। दो प्लेटें हैं, इनको बल्ट बट वेल्ड या फिर ग्रू वेल्ड की फॉर्म में कनेक्ट कर रखा है, तो आपको बताना है कौन सा जॉइंट है, ठीक है, सिंगल वी, सिंगल यू, डबल वी या फिर डबल यू। तो दो प्लेट्स हैं, दोनों को आमने सामने रख के दोनों को कनेक्ट किया है, यहां पर आपको दिख रखा होगा डबल वी दिख रहा होगा, है ना, एक प्लेट ये थी, एक प्लेट आपके सामने ये पर इस प्रकार से थी, ठीक है, दोनों को कनेक्ट किया है, तो इस प्रकार से आपको बताना है इनमें से ये कौन सा जॉइंट है, ठीक है। तो डबल वी आ रहा है, ऊपर भी वी आ रहा है इस प्रकार से, ठीक है, और नीचे भी इस प्रकार से वी आ रहा है, ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारे पास में डबल वी ग्रू वेल्ड है या फिर डबल वी बट वेल्ड है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डबल वी हो जाएगा, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है, ओके। अब सिंगल वी भी हो सकता है, डबल वी भी हो सकता है, मतलब सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, तो यहां पे आपको लेना होता है इफेक्टिव थिकनेस, एग्जाम पूछ सकता है आपके, तो बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, तो ये पूछेगा आपको इफेक्टिव थिकनेस पूछ सकता है ना, तो क्या होगा, तो TE होता है हमारा इफेक्टिव थिकनेस होता है। अगर बात करूं सिंगल जॉइंट की, सिंगल यू वी जे, एक होता है बेवल जॉइंट, सिंगल यू वी जे एंड बेवल जॉइंट, तो उस केस में आपको जो टी लेना होता है वो लेना होता है 5/8 इंटू टी मिनिमम क्या, जैसे ये थिकनेस की प्लेट की थिकनेस 10 mm है, इसकी 12 है, तो 10 वाली कम है, तो वही हमारे टी मिनिमम है, तो ये सिंगल के लिए लेना होता है। अगर बात करूं डबल के लिए, डबल यू वी जे एंड बेवल जॉइंट, तो उस केस में आपको इफेक्टिव थिकनेस जो लेनी होती है टीई, वो टी मिनिमम के बराबर ही लेनी होती है, ठीक है। डबल के केस के ना मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट होती है, वही यहाँ पे टीई होती है। सो यहाँ से पर्टिकुलर जो हमारा ऑप्शन है, ये जो डायग्राम है वो किसका है, डबल वी जॉइंट का है, ठीक है, जिसको हम ग्रूव वेल्ड या फिर बट वेल्ड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। द कंप्रेशन फ्लेंज शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम, जो हमारी कंप्रेशन फ्लेंज होती है ना, शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम बकलिंग, बियरिंग स्ट्रेस, डिफ्लेक्शन या फिर बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है। तो फ्लेंज की अगर बात करें तो बेंडिंग मूवमेंट को रजिस्ट करती है, ठीक है, और वेव है वो शियर स्ट्रेस को रजिस्ट करती है। फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ द इफेक्टिव लेंथ इफ द एंड कंडीशन इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड री स्ट्रेंथ इन डायरेक्शन एट बोथ एंड्स, मतलब जो कॉलम हमारा है उसके दोनों के दोनों एंड क्या है, वो हेल्ड इन पोजीशन है एंड दोनों एंड जो री स्ट्रेंथ इन डायरेक्शन, दोनों के दोनों जो एंड है वो दोनों के दोनों फिक्स्ड है, तो इस केस के अंदर इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू क्या होती है, तो 0.65L होती है। तो किस में आ रहा है, 3 - 3 इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने दे रखे हैं, ये याद कर लीजिएगा, यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन 100% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। When the line of rivet does not lies in the direction of stress, जब हमने प्लेट को कनेक्ट किया, रिवेट को यूज किया कनेक्ट करने के लिए, कई सारी रिवेट्स लगाई गई है, जितनी भी रिवेट लगाई गई है वो स्टेगर्ड है, चेन, मतलब एक ही बात दूसरी नहीं है, हमने रिवेट को अनइवनली कहीं पर भी प्लेस कर दिया,
तो उस केस में पूछ रहा है व्हेन द लाइन ऑफ रिवेट डज नॉट लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस द फिल इन द ब्लैंक इन अ रिवेट जॉइंट शुड नॉट एग्जिट फिल इन द ब्लैंक एंड विच एवर इज लेस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हम रिवेट यूज कर रहे हैं प्लेट के अंदर लगा रहे हैं, अगर हमने अनइवनली प्लेस कर रखा है तो उस केस के अंदर हमें वहां पर मैक्सिमम पिच की वैल्यू क्या लेनी होती है ना। तो वहां पर जो होता है यहां पर आपके पास में आएगा मैक्सिमम पिच, और अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया भी था मैक्सिमम पिच और शुड नॉट बी मोर देन 32 टी और 300 mm एंड विच एवर इज लेस। ठीक है, तो यहां पर हमारा पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, मैंने ये डिस्कशन आपको पहले भी कर लिया था। सो व्हेन द लाइन ऑफ रिवेट डज नॉट लाई इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस द मैक्सिमम पिच वहां पर आएगा इन अ रिवेटेड जॉइंट शुड नॉट एग्जिट 32 into थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट और 300 mm एंड विच एवर इज लेस। तो यहां पर बिल्कुल पहला ऑप्शन हमारा जो है वो सही है ना, मिनिमम नहीं आएगा मैक्सिमम आएगा। ठीक है, मिनिमम पिच की बात करें तो वो होता है 2.5 टाइम्स ऑफ बी पिच और 2.5 टाइम्स ऑफ डी होता है डायमीटर ऑफ द होल होता है। ठीक है, सो यहां से हमारा क्या हो जाएगा 32 वाला, बाकी 30 तो होता ही नहीं है, है ना, ये भी नहीं होगा और मिनिमम तो नहीं होता लेकिन 32 टी और 300 mm होता है, लेकिन यहाँ पर होता है मैक्सिमम पिच और 32 टी और 300 mm होता है। सो वन इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। द स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड इज, बट वेल्ड जो होता है जैसे हमारे पास दो प्लेट्स है, दो प्लेट्स को हमने आमने सामने रख रखा है इस तरीके से। ठीक है, इस बट वेल्ड को मैं ग्रू वेल्ड भी बोल सकता हूं। ठीक है, तो इस केस में इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, तो हमेशा ध्यान रखना कि बट वेल्ड एक हमारे पास होता है बट वेल्ड, एक होता है फिलेट वेल्ड। ठीक है, तो बट वेल्ड की जो स्ट्रेंथ होती है बच्चों आपको ध्यान रखना वो इक्वल या फिर मोर देन दैट ऑफ मेन मेंबर होती है, इक्वल या फिर मोर देन दैट ऑफ मैन मेंबर होती है। एंड इन द केस ऑफ फिलेट वेल्ड वो अप्रोक्सीमेट 80% वेरी करती है, कितना 80% के आसपास होता है। ठीक है, तो इसने पूछ रखा है द स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड इज, तो बट वेल्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, तो ये होती है इक्वल टू और मोर देन दैट ऑफ मैन मेंबर होती है। सो 3 इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 31। अगर बट वेल्ड की जगह आपको पूछता फिलेट वेल्ड तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही होता। तो फ्लेट वेल्ड की जो होती है वो 70 से 90 तक वेरी करती है, जबकि बट वेल्ड की वो इक्वल टू या फिर थिकनेस ऑफ द मेन मेंबर के बराबर होती है, मतलब मोर देन दैट ऑफ मेन मेंबर। ओके, तो यहां से सी वाला ऑप्शन, 3 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो मैंने बोल रखा है मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, आप याद कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड इज इक्वल और मोर देन दैट ऑफ मेन मेंबर। इसी के साथ में द स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड वो 80 से लेकर 95% ऑफ द मेन नंबर के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मूवमेंट एंड कर्वेचर ऑफ द प्लास्टिक हिंज। जब हम स्टील पढ़ते हैं बच्चों तो वहां पर हम प्लास्टिक हिंज भी पढ़ना होता है, तो प्लास्टिक हिंज की केस की अगर बात करें तो वहां पर मूवमेंट एंड कर्वेचर का रिलेशन क्या होता है, तो हमेशा ध्यान रखना कि वहां पर जो है मूवमेंट होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट कांस्टेंट होता है। ठीक है, जबकि जो कर्वेचर है वो कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, कर्वेचर जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। कर्वेचर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मूवमेंट एंड कर्वेचर एट द प्लास्टिक हिंज, लीनियर नॉन लीनियर, कर्वेचर इज कॉन्स्टेंट फॉर ऑल मूवमेंट। कर्वेचर कॉन्स्टेंट नहीं होता जबकि मूवमेंट कॉन्स्टेंट होता है, प्लास्टिक हिंज की बात करें तो यहां पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो 4th इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 32, नन ऑफ दीज। ओके, जो आपका इक्वेशन है m अपॉन i f अपॉन y इज इक्वल टू e अपॉन r वाला, यहां से आप करके देख लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा। अगर मैं यहां से ये वाली इक्वेशन लूं f अपॉन y इज इक्वल टू e अपॉन r, ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो मेरा कर्वेचर है 1 अपॉन आर ये किसके इक्वल होगा, एफ अपॉन ई इंटू वाई। वाई जो होता है प्लास्टिक हिंज पर सेंटर में क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर मैं यहां पर वाई की वैल्यू जीरो रखूं और टॉप मोस्ट फाइबर पे वाई की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होती है, सबको पता है। ठीक है, तो यहां पर वाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो एफ अपॉन ई इंटू
y की वैल्यू जीरो, तो वन अपॉन r की वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, क्योंकि वन अपॉन नीचे वैल्यू जीरो आ रही है तो क्या होगी इनफाइनाइट होगी। तो यहां से वन अपॉन r मतलब कर्वेचर की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई, ठीक है। तो अब देखिए वन अपॉन r की वैल्यू तो इनफाइनाइट होगी, लेकिन अगर इस केस के अंदर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूं m अपॉन i इज इक्वल टू f अपॉन y, ठीक है, और अगर मैं यहां से m अपॉन i इज इक्वल टू m अपॉन i इज इक्वल टू e अपॉन r, ये फॉर्मूला अगर यूज करूं e अपॉन r, ठीक है, तो यहां से 1 अपॉन r की वैल्यू अगर निकालना चाहूं मैं तो ये क्या हो जाएगा m अपॉन ei हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मूवमेंट जो है वो कॉन्स्टेंट है, लेकिन 1 अपॉन r ये क्या है कर्वेचर है, ये क्या हो गया इनफाइनाइट हो गया। तो मूवमेंट क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है इस प्लास्टिक इंच के केस के, तो मूवमेंट जो है मूवमेंट की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, लेकिन 1 अपॉन r की वैल्यू जो है हमारे पास इनफाइनाइट आ रही है। सो कर्वेचर कॉन्स्टेंट नहीं होता, मूवमेंट कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, जबकि कर्वेचर जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो यहां पर मूवमेंट कॉन्स्टेंट होता है जबकि कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो यहां से हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो नन ऑफ दिस। अगर यहां पे लिखा होता कर्वेचर इज इनफाइनाइट एंड मूवमेंट इज कॉन्स्टेंट तो सही होता, तो यहां से फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इफ द डेप्थ ऑफ सेक्शन ऑफ अपर कॉलम इज मच स्मॉलर देन द लोअर कॉलम देन क्या होगा, समझते हैं इस बात को। जैसे मेरे पास में ये कॉलम है और ये कॉलम जैसे फिक्स्ड है, मैंने ये लगा रखा है स्टेंशन या फिर आई सेक्शन है, ठीक है, इसके ऊपर एक और कॉलम लगाना है हमें, ठीक है, लेकिन ऊपर वाले कॉलम का जो साइज है वो इससे कम है, तो इस कॉलम के ऊपर छोटा वाला कॉलम का साइज रखने के लिए मुझे यहां पर लगाना पड़ेगा बेस प्लेट, मैं लगा लिया बेस प्लेट ताकि इसको बेस मिल जाए, ठीक है। अब इसकी स्ट्रेंथ को अच्छी करने के लिए मुझे यहां पर लगानी पड़ेगी कुछ प्लेट्स, ये मैंने यहां पे प्लेट्स लगा दी। अब प्लेट्स लगाने के बाद में ये प्लेट इस कॉलम से तो कनेक्ट हो गई यूजिंग बोल्टिंग और वेल्डिंग, लेकिन बीच के अंदर खाली जगह रह गई, इस खाली जगह को भरने के लिए फिल करने के लिए मुझे यूज करनी पड़ेगी फिलर प्लेट्स, क्या फिलर प्लेट यूज करनी पड़ेगी। तो मैंने यहां पर कुछ प्लेट्स लगा दी, ये प्लेट मैंने यहां पे लगा दी, ये जो प्लेट आप देख पा रहे हैं ये सारी सारी क्या है फिलर प्लेट्स। तो अब जो इसकी स्ट्रेंथ है वो दोनों की बराबर हो जाएगी। तो इस केस में मैं कह सकता हूं, क्वेश्चन को वापस आप देखिए जरा, ये कह रहा है इफ द डेप्थ ऑफ दिस सेक्शन, मतलब डेप्थ कौन सी, ये वाली डेप्थ जो आप विड्थ की फॉर्म में देख पा रहे हो, ये वाली यहां से लेकर यहां तक ये डेप्थ की फॉर्म में, ठीक है, जो आप विड्थ में देख रहे हैं ये डेप्थ, और ये डेप्थ आप देखिए ये डेप्थ ज्यादा ये डेप्थ कम है। तो इस केस में आप क्या करेंगे फिलर प्लेट्स लगाएंगे, तो बिल्कुल फिलर प्लेट्स लगाएंगे, ठीक है। इफ द डेप्थ ऑफ दिस सेक्शन ऑफ एन अपर कॉलम इज मच स्मॉलर देन द लोअर कॉलम देन क्या होगा, तो हम क्या करेंगे फिलर प्लेट्स आर प्रोवाइडेड विथ कॉलम स्प्लाइस, यहां पे स्प्लाइस नहीं है स्प्लाइसेस है, स्प्लाइस का मतलब क्या है प्लेट्स है, स्प्लाइस का काम करती है दो मेंबर को कनेक्ट करने का काम करती है, दो मेंबर्स को कनेक्ट करने का काम करती है वो हमारी स्प्लाइस प्लेट्स होती है। सो फिलर प्लेट्स लगाएंगे आर प्रोवाइडेड विथ कॉलम स्प्लाइस, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है बेयरिंग प्लेट्स आर प्रोवाइडेड विथ कॉलम स्प्लाइस, तीसरा कह रहा है नीदर फिलर प्लेट्स और नॉर बेयरिंग प्लेट्स आर प्रोवाइडेड विथ कॉलम स्प्लाइस, गलत है। फोर्थ कह रहा है फिलर प्लेट एंड बियरिंग प्लेट, बिल्कुल फिलर प्लेट भी लगाएंगे और बियरिंग प्लेट भी लगाएंगे आर प्रोवाइडेड विद द कॉलम स्प्लाइसेस। तो हम बियरिंग प्लेट मतलब बेस प्लेट मतलब बियरिंग प्लेट और फिलर प्लेट दोनों लगाएंगे, तो फोर्थ इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 33। ओके चलिए अब ये जो हमारे पास में है ये जो है वो बियरिंग प्लेट है, बियरिंग प्लेट है, और जो आप ये देख पा रहे हैं लेफ्ट राइट में लगी हुई ये हमारी फिलर प्लेट्स है। ओके चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है देखिए जरा, पढ़िए समझिए एंड देन आंसर दीजिए। इन द टेंशन स्प्लाइस द मेंबर ऑफ रिवेट्स कैरिंग कैलकुलेटेड शियर स्ट्रेस थ्रू अ पैकिंग ग्रेटर देन 6 mm थिक is to be increased by 2.5% of how much thickness of packing,
ठीक है, कहने का मतलब ये है जब भी हम बट वेल्ड या फिर बॉल्ट रिलेशन बढ़ते हैं तो वहां पे आपने देख रखा होगा कि जैसे हमारे पास में दो मेन मेंबर्स हैं, एक प्लेट ये है जिसकी थिकनेस ज्यादा है, एक प्लेट है जिसकी थिकनेस इससे कम है, दोनों को आमने सामने हमने रखा, इन दोनों को बट जॉइंट की तरह कनेक्ट करना है। लेकिन हमारे पास में दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि हमने नीचे तो हमने एक कवर प्लेट लगा दी, ठीक है, ये हम नीचे हमने कवर प्लेट लगा दी, अगर हम ऊपर की तरफ लगाते हैं कवर प्लेट, ये मैंने अगर ऊपर की तरफ कवर प्लेट लगाई तो देखिए ये हमारे पास में मेन प्लेट जिसकी थिकनेस ज्यादा है, ये भी हमारे पास में मेन प्लेट है जिसकी थिकनेस इससे कम है, तो इस केस में यहां पर कुछ जगह बच गई, तो इस जगह को फिल करने के लिए, इस जगह को समझना इस बात को, इस जगह को फिल करने के लिए मुझे यहां पर लगानी पड़ेगी पैकिंग प्लेट, ये मैंने लगा दी पैकिंग प्लेट, ठीक है। अब इस पैकिंग प्लेट की, ये पैकिंग प्लेट कब लगानी पड़ेगी, अगर ये जो स्पेस है ये 6 mm से कम है तब तो कोई आपको आवश्यकता नहीं है इस पैकिंग प्लेट को लगाने की। अगर ये जो पैकिंग प्लेट जो आप लगा रहे हैं इसका जो स्पेस है ये 6 mm से ज्यादा हो जाए तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो उस केस में आपको यहां पर इस जगह को भरने के लिए आपको लगानी पड़ेगी पैकिंग प्लेट जो आपको दिख रही ग्रीन कलर के अंदर, ठीक है, ये आपने लगा दी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सपोज ये आपकी जो मेन मेंबर है ये 20 mm थी, इसकी थिकनेस 20 mm है, और ये जो आपने प्लेट लगा रखी है इसके सामने मेन मेंबर, ये आपका जो है वो है 12 mm, ठीक है, तो 20 - 12 कितना हो गया 8, तो मतलब पैकिंग प्लेट की जो थिकनेस है ये कितनी हमारे पास में होगी, थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट कितना हो गया हमारे पास में 20 - 12, ये 8 mm का इसका थिकनेस हो गया, तो मतलब 6 mm से ज्यादा है, समझना इस बात को, तो 6 mm से ज्यादा होते ही इसकी यहाँ पे हमें पैकिंग प्लेट प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, तो ये 8 mm है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे पैकिंग प्लेट लगाएंगे, तो जब भी हम पैकिंग प्लेट लगाते हैं तो इसमें हम एडिशनल बोल्ट लगाते हैं, ये यहाँ पे तो बोल्ट लगाएंगे बोल्ट या रिवेट लगाएंगे कवर प्लेट और मेन मेंबर के साथ में, लेकिन इस पैकिंग प्लेट को इससे कनेक्ट करने के लिए हम एडिशनल रिवेट भी लगाते हैं, एडिशनल बोल्ट भी लगाते हैं। सपोज मैंने यहां पर एडिशनल रिवेट या बोल्ट लगा दिए, ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, एडिशनल रिवेट्स या फिर बोल्ट्स है, ठीक है। अब ये एडिशनल रिवेट हम कितनी लगाएंगे, ठीक है, 6 mm तक तो आपको कुछ भी नहीं करना, तो 6 mm तक मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन 6 ये इसकी थिकनेस कितनी 8 mm है, मतलब 6 से 2 mm ज्यादा है, तो हर 2 mm थिकनेस बढ़ने पर मैं 2.5% रिवेट एक्स्ट्रा लगाऊंगा। जैसे सपोज यहां पर रिवेट मेरे पास में आ रही है 20 रिवेट लगानी है, सपोज मुझे यहां पर 20 रिवेट लगानी है, यहां पर थिकनेस एक्स्ट्रा आ रही है 2 mm की, तो हर 2 mm के लिए मैं 2.5% एक्स्ट्रा रिवेट लगाऊंगा। या फिर सपोज यहां पर आ रही है 100 रिवेट, तो यहां पर मुझे कितनी रिवेट लगानी पड़ेगी एडिशनल में, तो इस 100 का 2.5% मतलब 2.5 रिवेट मुझे यहां पर एडिशनल लगानी पड़ेगी हर 2 mm थिकनेस एक्स्ट्रा के लिए, समझे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अब ये क्वेश्चन आप वापस देख लीजिए, इन अ टेंशन स्प्लाइस द मेंबर ऑफ रिवेट कैरिंग कैलिब्रेटेड शियर स्ट्रेस थ्रू अ पैकिंग ग्रेटिंग देन या फिर ग्रेटर देन 6 mm थिक इज टू बी इंक्रीज बाय 2.5% फॉर ईच, कितना थिकनेस, तो 2 mm थिकनेस के लिए हम 2.5% रिवेट एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो 2 mm किसमें आ रहा है, थर्ड ऑप्शन के अंदर आ रहा है, तो उसका मतलब 2 mm इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 34। ओके, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। और इसके साथ में इसमें अगर हम पैकिंग प्लेट लगाते हैं तो उस केस के अंदर क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे जॉइंट के ऊपर, जो हमारी सीयरिंग स्ट्रेंथ होती है ना, जो हमारी सीयरिंग स्ट्रेंथ होती है बच्चों, सीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है वो होता है रिड्यूस, वो क्या होती है रिड्यूस। अब सीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट होता है क्या है, वो होता है VDSB का फॉर्मूला होता है FUB / √3 (NN)(ANB) + NS(ASB) / γMB। ये तो फॉर्मूला हमारा होता है, ठीक है, आई होप कि ये क्या चीजें आपको पता होगा, ये फॉर्मूला होता है बोल्ट की सीयरिंग स्ट्रेंथ फाइंड करने का, ठीक है।
अब ये जो सर्टिफिकेशन हम फाइन करेंगे जब पैकिंग पेरियड लगाई गई है, तो उस केस में हमारा चेनिंग एक्सटेंशन वो कम हो जाता है। तो कम कितना हुआ उसको कैलकुलेट करने के लिए हम फैक्टर का यूज करते हैं, वो फैक्टर हमारा होता है रिडक्शन फैक्टर, उसको इस फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमारा बीटा पी के। बीटा पी के क्या है, ये बीटा पी के क्या है, रिडक्शन फैक्टर। ठीक है, इस बीटा पी के का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है 1-0.0125 इंटू टीपी के, और ये जो वैल्यू हमेशा आएगी एक से कम आएगी, लेस देन ऑलवेज लेस देन वन, क्योंकि एक से माइनस हो रहा है, 0.0125 टीपी के माइनस हो रहा है। टीपी के क्या है, थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट है, ये जो 8 mm है यही हमारे पास में क्या है, टीपी के है। तो इस प्रकार से नियर अबाउट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट हो सकते हैं। तो इतने क्वेश्चन जो 34 क्वेश्चन है आज तक एमपी सब इंजन के एग्जाम में आ रखे थे, जो मैंने आपको अभी करवाए, आई होप कि आपने अच्छे से समझे होंगे। अगर आपने समझे हैं तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए जरूर करिएगा। इसी के साथ में हमारी तरफ से एमपी सब इंजीनियर एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमारा जो टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज को भी आप परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या फिर हमारी एप्लीकेशन से, जो कि यहाँ पर लिंक दे रखा है हमारी वेबसाइट का studyvisibility.com, या फिर इसी के नाम से आप सर्च करेंगे, हम प्ले स्टोर से studyvisibility की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, तो वहाँ पर जो है आपको एमपी सब इंजीनियर की जो हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ये जो टेस्ट सीरीज है आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर, आपके एप्पल मोबाइल के अंदर, iOS के अंदर, या फिर लैपटॉप कंप्यूटर्स के अंदर दे सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या है, 18 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, टेक्निकल नॉन टेक्निकल के, एक फुल लेंथ नॉन टेक्निकल टेस्ट है, एक टेक्निकल फुल लेंथ टेस्ट है, इसी के अलावा 10 फुल लेंथ टेस्ट है जिसके अंदर टेक्निकल नॉन टेक्निकल पूरा 200 क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूडेड है। आई होप कि आज के सेशन के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सेशन अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।